सुनील चौहान जी, एक मिनट सर, ये सुनील चौहान जी बार बार आप ओपन कर रहे हैं माइक, मुझे आपको फिर बाहर करना पड़ेगा। आज हम लोग का एक थर्ड लेक्चर है, इसके पहले हम लोगों ने दो लेक्चर लिए हुए हैं। मेरे ख्याल से आप सभी ने वो दो लेक्चर या तो देखे होंगे या फिर आपने उनकी रिकॉर्डिंग देख ली होगी, क्योंकि आज हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप में से किसी ने उन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं देखी हुई है तो फिर मैं आपसे ऐसा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे वो दो फ्री लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर और यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। अगर आप हमारे इसके बाद लेक्चर नहीं लेते हैं तो फिर आपको वो फ्री यूट्यूब पर नहीं मिल पाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपके बैच के अंदर डेली ये लेक्चर अपडेट किए जाएंगे, जो भी नोट्स होंगे वो अपडेट किए जाएंगे। तो आज हमारी ये लास्ट डेमो क्लास है, आज आप ये डिसाइड कर लें कि आपको रजिस्टर होना है या फिर आपको रजिस्टर नहीं होना है इस क्लास के अंदर। और दो दिन के बाद हम लोग क्लासेस की टाइमिंग थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे, हम लोग दो सब्जेक्ट और स्टार्ट करने जा रहे हैं नए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको दो तीन दिन के अंदर आपका पूरा तीन महीने का जो शेड्यूल है, आपके सब्जेक्ट्स किस तरीके से पूरे होंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, अपना थर्ड लेक्चर। मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने कल इंडेक्स प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया था, और इंडेक्स प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने के बाद हमने कल वाटर कंटेंट पढ़ा, उसके बाद हमने वॉइड रेशियो पढ़ा, उसके बाद हमने पोरोसिटी पढ़ी, देन हम लोग डिग्री ऑफ सेचुरेशन के ऊपर आए, और उसके बाद हमने एयर कंटेंट पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा बॉयल रेशो और पोरोसिटी का कंपेरेटिव यूज समझा था कि उनको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, पोरोसिटी किस तरह से सॉइल की प्रॉपर्टी का इंडिकेटिव होता है, और जो वॉइड रेशो होता है उसे हम दो अलग अलग स्टेट में सेम सॉइल को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक स्टेबल पैरामीटर होता है, दैट इज द वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है, चाहे सॉइल किसी भी स्टेट में पहुंच जाए, बस उसका कंप्रेशन नहीं होना चाहिए, मतलब इतना कंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि सॉलिड टूट जाए, और उसको कभी ओवन में इतना गर्म नहीं करना चाहिए कि सॉलिड जल जाए। जब तक हम सॉलिड से कोई छेड़छाड़ नहीं कर देते तब तक हमारा जो सॉइल है उसका वॉइड रेशियो में जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या फिर वेट ऑफ सॉलिड है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो सॉइल मैकेनिक्स में ये बात हमेशा याद रखें कि अगर कभी भी हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो सॉलिड्स के अंदर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी पानी डाल लें, कितना भी पानी कम कर लें, सॉइल का वॉल्यूम कितना भी बढ़ा लें, कितना भी वॉल्यूम कम कर लें। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात थी। आज हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग कुछ और इंडेक्स प्रॉपर्टीज को देखने की कोशिश आज करेंगे। हम लोगों को अगली जो इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़नी है उसका नाम है यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अब मेरे ख्याल से यूनिट वेट आप सभी लोगों ने कभी ना कभी अपनी पढ़ाई के अंदर सुना होगा। अगर आपने यूनिट वेट के बारे में ज्यादा कुछ सुन के नहीं रखा हुआ है तो कम से कम आपने जब एफएम पढ़ी होगी तो एफएम की फर्स्ट यूनिट में जब हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज के अंदर यूनिट वेट और डेंसिटी इस नाम की दो फ्लूइड की प्रॉपर्टी आती है, तो सभी लोग वहां पर यूनिट वेट और डेंसिटी को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर कर लेते हैं। अगर आपने उस चीज को वहां इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो दो चीजें समझना जरूरी होता है, एक चीज होती है वेट और एक चीज होती है मास। आप इन दोनों चीजों में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं जिन बच्चों को क्लैरिटी नहीं है। मैंने हालांकि कल भी इसके बारे में बताया था, न्यूटन ने एक लॉ दिया था सेकंड लॉ, और उनके उसके अंदर उन्होंने कहा था कि कोई मास अगर किसी एक्सेलरेशन के साथ मोशन करता है तो वो एक फोर्स जनरेट करता है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस मास का वेट बोल देते हैं। वेट एक रिलेटिव पैरामीटर है और मास एक एब्सोल्यूट पैरामीटर। वॉइस नहीं आ रही सर, क्लियर? मेरी वॉइस नहीं आ रही है जी सर, क्लियर नहीं आ रही सर, प्रॉब्लम आ रही है। दो मिनट में अभी आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। जी सर आ रही है। यस सर। चलिए आगे चलते हैं।
तो मैं डिस्कशन कर रहा था आप लोगों से अभी मास और वेट के बारे में. एंड सपोज दैट कि किसी का मास 70 केजी है, तो वो मास उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो गई, वो हमेशा सेम रहेगा. चाहे आप अर्थ पर रहें, चाहे आप मून पर चले जाएं, चाहे आप मार्स पर चले जाएं, आप किसी भी ग्रह पर, किसी भी ग्रेविटेशनल जोन में चले जाएं, आपका मास आपका अपना रहेगा 70 केजी माने 70 केजी. उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता. आप किसी भी जगह होकर आ जाएं, किसी भी ग्रेविटेशनल जोन के अंदर पहुंच जाएं. लेकिन वेट जो होता है वो फोर्स होता है, और फोर्स डिपेंड करता है कि मास का एक्सीलरेशन कितना है. अब अगर कोई 70 केजी का आदमी है और वो अर्थ पर खड़ा हुआ है, तो उसके पैरों के नीचे अर्थ के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके मास की वजह से है ना, उसका जो पूरी बॉडी है उसका जो वजन पड़ रहा है नीचे अर्थ के ऊपर, वो कितना होगा? 70 केजी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाटएवर जितना भी आप लेते हैं. अगर वो आदमी कहीं और किसी दूसरे ग्रेविटेशनल जोन में चला जाए, वही 70 केजी का आदमी, मास सेम है, लेकिन उसके पैरों के नीचे वो जो वजन ट्रांसफर करेगा अर्थ के ऊपर वो एकदम चेंज हो जाएगा, वो वजन एकदम बदल जाएगा, क्योंकि दूसरे प्लेनेट के ऊपर ग्रेविटेशनल जोन दूसरा है, वहां पर ग्रेविटी कुछ और है, तो वहां पर उसका फोर्स चेंज हो जाएगा. तो वेट चेंज होता रहता है किसी भी चीज का अलग अलग ग्रेविटेशनल जोन में, और जो मास होता है वो उसका अपना रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता. अब सेम जो फर्क है वो डेंसिटी और यूनिट वेट के अंदर है. जो डेंसिटी होती है वो एक एब्सोल्यूट पैरामीटर हो जाती है, और जो यूनिट वेट होता है वो फिर से रिलेटिव हो जाता है, क्योंकि यूनिट वेट वेट के टर्म्स में चलता है और डेंसिटी मास के टर्म्स में चलती है. आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लोगों ने मेरे ख्याल से इन फॉर्मुलास को पहले, आप लोगों ने जब FM पढ़ी है तब आप लोगों ने FM के अंदर इन फॉर्मुलास को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा. मैं आपको एक बार और उन चीजों को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. अगर आप मास का फॉर्मुला लिखते हैं, अगर आप डेंसिटी का फॉर्मुला लिखते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मुला आपको क्या मिलता है? दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम. मतलब यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस का कितना मास आ रहा है, दैट इज डेंसिटी. और यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट की वैल्यू होती है वेट अपॉन वॉल्यूम. मतलब यूनिट वॉल्यूम में किसी भी चीज का कितना वेट आ रहा है, दैट इज व्हाट यूनिट वेट. इज दैट क्लियर ऑर नॉट? डेंसिटी को हम दिखाते हैं रो से, और यूनिट वेट को हम दिखाते हैं गामा से. नाउ सी, मास की यूनिट होती है केजी, और वॉल्यूम सब जानते हैं मीटर क्यूब. तो डेंसिटी की यूनिट क्या बन जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सिमिलरली वेट की यूनिट होती है किलो न्यूटन, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब. तो यूनिट वेट की यूनिट क्या बन जाएगी? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड यूनिट वेट. अभी सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास एक एडवांटेज रहेगा. सॉइल मैकेनिक्स के अंदर एडवांटेज ये रहेगा कि हमें मून पे जाके सॉइल का एनालिसिस नहीं करना, हमें मार्स के ऊपर जाके सॉइल का एनालिसिस नहीं करना. हम जब भी कभी सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल लेंगे तो वो अर्थ की सॉइल होगी, क्योंकि हमें इसी प्लेनेट के ऊपर रहना है. अब अगर वो अर्थ की सॉइल रहेगी तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमेशा सेम रहेगा. इसीलिए हम जनरली यूनिट वेट और डेंसिटी सॉइल में दोनों में फर्क नहीं करते. हाँ, यूनिट का फर्क होता है, हम उन दोनों को आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज भी कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का वेट इक्वल्स टू होता है उस चीज का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी. तो अगर आपको, लेट अस सपोज दैट डेंसिटी लिखी हुई है, आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई है और आपको दिया हुआ है कि रो इक्वल्स टू, लेट अस सपोज दैट, मैं मान के चलता हूँ कि 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब था, लेट अस सपोज किसी भी सब्सटेंस के लिए 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब था. तो आप केवल कितना काम कीजिए कि ये जो 1600 में ऊपर वाला किलोग्राम है, इस किलोग्राम को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? किलो न्यूटन में. और किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मुला लिख के दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर जो आपको लिख के दिया हुआ है, वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्राम, मतलब वेट काय में चलता है किलो न्यूटन में, किलोग्राम काय में चलता है, मास काय में चलता है किलोग्राम में, इनटू जी. तो 1600 में आप जी का इनटू कर दीजिए, यू विल गेट किलो न्यूटन. तो बेसिकली आप मास को और वेट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और अगर मास को और वेट को आप आपस में इंटरचेंज कर पाएंगे तो बहुत अच्छे से आप यूनिट वेट को और डेंसिटी को एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज कर पाएंगे. तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बसा के रखिए कि किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होती है और किसी भी चीज का यूनिट वेट क्या होता है. अगर आप वेट पर यूनिट वॉल्यूम देख रहे हैं तो वो यूनिट वेट हो जाएगा, अगर आप मास पर वॉल्यूम देख रहे हैं तो वो डेंसिटी हो जाएगी. किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी हुई है तो वो आपकी डेंसिटी है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दी हुई है तो वो आपका वेट है. दोनों के बीच में आप रिलेशनशिप भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई है ना. ये वाटर के लिए है, वाटर एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस माना गया है, तो वाटर की जो यूनिट वेट की वैल्यू है वो आपको याद रखनी पड़ेगी. अगर आप किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में देखेंगे तो 9.81 मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को याद होगी. अगर आप न्यूटन पर मीटर क्यूब में देखेंगे तो 1000 का इंटू कर दीजिए, 9810.
अगर आप पाउंड पर फिट क्यूब, ये एफपीएफ की यूनिट है, हमारी काम नहीं आएगी लेकिन फिर भी मैंने लिखी हुई है, अगर आप एफपीएफ यूनिट में देखना चाहते हैं पाउंड पर फीट क्यूब, तो 62.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में देखना चाहते हैं, किलोग्राम पर मिनट मीटर क्यूब आ गया ना, तो यहाँ भले भी रो लिखा हुआ है लेकिन बेसिकली ये चीज क्या है, ये हमारी डेंसिटी है। हमें कैसे पता पड़ा ये डेंसिटी है, क्योंकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी हुई है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम में दी हुई है। सिमिलरली एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो ये क्या है हमारी, ये हमारी डेंसिटी हो गई। सर क्लियर हो नोट, यहाँ पर हमने किलो न्यूटन को किलोग्राम में या ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है और हमने पर मीटर क्यूब या पर सेंटीमीटर क्यूब में उसको डेफिनेट किया हुआ है। तो यूनिट वेट और डेंसिटी, मेरे ख्याल से ये आप लोगों को, सभी लोगों को एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको एक बार और उन चीजों को क्लियर कर दूंगा। यूनिट वेट और डेंसिटी, यूनिट वेट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी मैंने सॉइल का कोई जिक्र नहीं किया है, अभी मैंने आप लोगों को केवल क्या बताया हुआ है, अभी मैंने आप लोगों को केवल डेंसिटी और यूनिट वेट के बारे में बताया हुआ है, इसके बाद इसके अलावा मैंने आपसे और कुछ भी बात नहीं की हुई है। अब अगर हमें यूनिट वेट और डेंसिटी अच्छे समझ में आती है, अब हम सॉइल के ऊपर पहुंच सकते हैं, अब हम सॉइल के बारे में पढ़ सकते हैं कि उसका यूनिट वेट क्या होगा और उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और वहां हम लोग सॉइल के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। हमने सॉइल के यूनिट वेट और सॉइल की डेंसिटीज को कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है का मतलब क्या है, हम सॉइल के अंदर केवल एक यूनिट वेट और केवल एक डेंसिटी नहीं मान के चलते, हमने कई तरह की यूनिट वेट और कई तरह की डेंसिटी डिफाइन कर रखी है। असल में दिक्कत क्या होती है, अगर हम एक सॉइल को देखते हैं तो सॉइल के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो अपनी स्टेट्स को चेंज करती रहती है। आप आज उसे जिस स्टेट में देखेंगे ना, कल वो उसी स्टेट में रहेगी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। लेट अस सपोज दैट अभी रेनी सीजन चल रहा था, तो रेनी सीजन की वजह से वो सॉइल पूरी सैचुरेट थी, ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर, इवन उसके जो वॉइड्स का वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो सॉइल क्या है, इसमें सॉइलिंग कर चुकी है, बहुत बड़ा वॉल्यूम लेके बैठी हुई है। कुछ दिनों के बाद सर्दियां आ गई, तो सर्दियों के अंदर वो पार्शियली सैचुरेटेड हो गई, कुछ मॉइस्चर उसके अंदर से चला गया, कुछ मॉइस्चर उसके अंदर रह गया। कुछ दिनों के बाद गर्मी आ गई, गर्मियों में वो सॉइल एकदम परफेक्टली ड्राई हो गई, पूरा मॉइस्चर उसके अंदर से निकल गया। तो सॉइल अपने लाइफ स्पान के दौरान अपने स्टेट को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है, अपने स्टेट को कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। इसीलिए सॉइल के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी एक डेंसिटी या एक यूनिट वेट का यूज नहीं कर सकते, हमें यूनिट वेट्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करना पड़ता है। तो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो पहला यूनिट वेट हमें पढ़ना है वो पहला यूनिट वेट है बल्क यूनिट वेट। इस सब क्लियर हो नोट, सबसे बेसिक यूनिट वेट होता है बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट का मतलब क्या होता है, सॉइल जिस स्टेट में है, सॉइल नेचुरली जैसे अकर कर रही है, आप उसी स्टेट में उसका वेट पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लीजिए, आप उसी स्टेट में उसका वजन यूनिट वॉल्यूम के अंदर निकाल लीजिए। अब ये हम काम कैसे करेंगे, लेट अस सपोज दैट कि एक पर्टिकुलर कोई सॉइल की सरफेस थी, ये कोई ग्राउंड सरफेस थी, आप यहाँ पे जाइए और सॉइल की सैंपलिंग कीजिए। सॉइल की सैंपलिंग कैसे होती है, एक कोर कटर होता है सिलेंड्रिकल, है ना, वो कटर गोल गोल घूमता रहता है और नीचे जाके पूरा का पूरा एक सैंपल एक्सट्रैक्ट कर लाता है। तो आपने एक कोर कटर यहाँ पर डाला इस तरीके से सिलेंड्रिकल, और उस कोर कटर ने इतनी सॉइल काट के इतनी सॉइल पूरी की पूरी बाहर निकाल ली, है ना, ये इतना सॉइल का सैंपल आपको बाहर मिल गया। अब पहली बात तो ये कि आपको इस सॉइल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी सॉइल का वॉल्यूम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर जो गड्ढा हुआ है सिलेंड्रिकल, या फिर इस कोर कटर का जो वॉल्यूम था, इसका जो डायमीटर था और इसकी जो हाइट थी, गड्ढे की जो हाइट थी, वहां से आपको इसका वॉल्यूम पता पड़ेगा कि भैया इस सॉइल का इतना वॉल्यूम है सैंपल का। अब इस सैंपल को आप एज इट इज लैब के अंदर लेके जाइए और इसको कहाँ रख दीजिए, इसको एक बैलेंस के ऊपर रख दीजिए, है ना, बैलेंस मतलब तराजू, एक डिजिटल बैलेंस के ऊपर आप इसको रख दीजिए, वेइंग मशीन के ऊपर रख दीजिए और इसका वजन ले लीजिए कि इसका किलो न्यूटन में वजन कितना आता है। जैसे ही आपको किलो न्यूटन में वजन मिल गया, है ना, तो लेट अस सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि ये आपको डब्ल्यू मिल गया किलो न्यूटन में इसका वेट। अब आप क्या कीजिए, इसको केवल डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम कर दीजिए, नथिंग एल्स, है ना, मतलब आपने क्या किया, वेट अपॉन वॉल्यूम कर दिया। तो आपने किलो न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब किया, वॉल्यूम आप लेट अस सपोज दैट मीटर क्यूब में मिला था, तो आपका जो यूनिट वेट होगा वो किस में निकल के आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। अब वो सॉइल नेचुरली जैसी भी थी, अगर वो नेचुरली ड्राई थी तो ड्राई, नेचुरली सैचुरेट थी तो सैचुरेट, नेचुरली पार्शियली सैचुरेट थी तो पार्शियली सैचुरेट, जिस भी कंडीशन में थी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें एज इट इज उसका वेट निकाल लेना है और वॉल्यूम से हमको डिवाइड कर देना है, हमें सीधे क्या मिल जाएगा, हमें उसका बल्क यूनिट वेट मिल जाएगा। तो बल्क यूनिट वेट निकालने का ये बड़ा सिंपल सा एक तरीका होता है। नाउ सी, एक चीज और, सॉइल के अंदर कुछ और यूनिट वेट डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, अगला जो यूनिट वेट होता है वो होता है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, ये परफेक्टली ड्राई स्टेट में सॉइल का यूनिट वेट बताता है। परफेक्टली ड्राई स्टेट में सॉइल का यूनिट वेट बताता है मतलब, जब सॉइल के वॉइड्स में बिल्कुल भी वाटर नहीं है, जब सॉइल के वॉइड्स एकदम खाली हो चुके हैं,
है ना, उसमें केवल एयर है और हम ऐसा उसको कैसे बना कैसे पाते हैं परफेक्टली ड्राई। फॉर एग्जाम्पल को लेके आइए, 24 घंटे के लिए ओवन में पटक दीजिए, 104 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर मेंटेन कर लीजिए। अगर 24 घंटे बाद आप उसको निकालेंगे तो पूरा वाटर एवापोरेट हो जाएगा और सॉइल परफेक्टली ड्राई हो जाएगी। उस परफेक्टली ड्राई स्टेट में सॉइल का वॉल्यूम कितना निकल के आया, वेट, सॉइल का वेट कितना निकल के आया, उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट व्हाट ड्राई यूनिट वेट। कैसा काम करेंगे, सेम काम करेंगे, पहले हम एक सैंपल एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक पोर कटर से सैंपल एक्सट्रैक्ट किया और यहीं से उसका वॉल्यूम ले लेंगे, गड्ढे का कितना वॉल्यूम है, जितना गड्ढे का वॉल्यूम इतना ही सैंपल का वॉल्यूम, और फिर उस सैंपल को सीधे तराजू पर नहीं रखेंगे, उस सैंपल को हम लोग कहाँ रखेंगे, उस सैंपल को हम लोग ओवन के अंदर रखेंगे 24 आवर्स के लिए और 104 डिग्री सेल्सियस टू 107 डिग्री सेल्सियस। ये कई किताबों में आपको 105 से 110 मिलेगा, कई किताबों में 102 से 106 मिलेगा, लेकिन रेंज आपकी 100 से लेकर के 110 के बीच में हमेशा रहती है टेम्परेचर की। आपने इसको अपने ओवन के अंदर रखा, फिर अपने ओवन के अंदर रखने के बाद आप इसको बाहर निकालिए। अब आप जब इसको बाहर निकालेंगे तो सॉइल आपकी परफेक्टली ड्राई हो चुकी है, उसके अंदर जो है, अब आप क्या, इसको अगेन कहाँ रखिए, बैलेंस पर रखिए, एक तराजू के अंदर रखिए और बैलेंस के अंदर रखिए, उसका वेट निकाल लीजिए, उसका वेट कितना है, आपको किलो मीटर में उसका वेट मिल जाएगा। आप मीटर क्यूब में उसका वॉल्यूम पहले भी फाइंड आउट कर चुके थे। कोई कुछ बोल रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी सर, वॉइस क्लियर नहीं है सभी को, नहीं है आपको, नहीं है विकास जी सर, सभी को क्लियर नहीं है, मैसेज आ रहे हैं सबके, सर ग्लिच है, ग्लिच है वॉइस में, वॉइस आ रही है लेकिन कट कट के आ रही बीच बीच में। एक्चुअली क्या है, उसका रीजन क्या है, कुछ लोग बीच बीच में अपना म्यूट ऑन ऑफ करते रहते हैं, उस वजह से सर्वर थोड़ा सा स्लो हो जाता है। आप सभी अपने वेबकैम बंद कर दीजिए, मेरा वेबकैम चालू रहेगा और सभी अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए, इस वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है वो। अभी मेरी आवाज आ रही है विकास जी? हाँ, आप वो वाले आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन वाले से ही बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं अपने दूसरे, अपने स्मार्टफोन से बोल रहा हूँ, उसमें से आवाज नहीं आ रही है। ठीक, चलिए ठीक है। आवाज चालू करिए सर, आपकी आवाज बंद करके रखी आपने। सर आप म्यूट कर दिए हैं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी विकास जी, मैं रीकनेक्ट कर रहा था, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, ओके। यस सर, क्लियर है। आप सभी अपने अपने माइक्रोफोन बंद कर लेंगे और अपना वीडियो भी सभी ऑफ करके रखेंगे तो सर्वर पर लोड ज्यादा नहीं रहेगा, सिर्फ मैं अपना वेबकैम चालू रखूंगा और आप सभी अपना वेबकैम एकदम बंद रखेंगे। तो ये हम लोगों ने ड्राई यूनिट वेट को निकालने का तरीका समझा कि हम किसी भी सॉइल को लेकर के चले और उस सॉइल को हम लोग जब भी कभी बाहर निकालें, उसको ग्राउंड से बाहर लेकर के आए तो उसको हम थोड़ी देर के लिए ओवन के अंदर रख दें और ओवन के अंदर रखने के बाद फिर हम उसका वेट लें तो वो परफेक्टली ड्राई वेट निकल के आएगा, उसको उसके वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो फिर हमें उस सॉइल का ड्राई यूनिट वेट पता पड़ जाएगा। तो ये दो यूनिट वेट मेरे ख्याल से समझ में आते हैं, नेचुरल स्टेट में जो यूनिट वेट निकाला गया वो बल्क यूनिट वेट होगा और ड्राई स्टेट में जो यूनिट वेट निकाला गया वो ड्राई यूनिट वेट होगा। एक बात बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे मेरी, कभी भी अगर आपको ड्राई यूनिट वेट निकालना है तो वो ये जरूरी नहीं है कि सॉइल का ड्राई स्टेट में ही ड्राई यूनिट वेट निकलेगा। छोटू भी यही बात बोल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ड्राई सॉइल का ही ड्राई यूनिट वेट निकाल सकते हैं, आप किसी भी सॉइल का ड्राई यूनिट वेट निकाल सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको तरीका बताया, आपको केवल क्या काम करना है, आपको अपनी सॉइल के सैंपल को उठा के ओवन में रख देना है। अगर आप उसको ओवन में से बाहर निकालेंगे तो ओवन में से बाहर निकालने के बाद उस सॉइल का जो भी वेट होगा वो ड्राई यूनिट वेट ही होगा। इज दैट क्लियर? नो, तो कोई भी सॉइल आप यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको उसको ड्राई कर लेना है और उसके बाद उसका यूनिट वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगला जो हमारा वेट होता है वो वेट होता है हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट, सी नंबर पर, थर्ड नंबर पर। सैचुरेटेड यूनिट वेट भी बिल्कुल ड्राई यूनिट वेट की तरह है,
ड्राई यूनिट वेट ड्राई कंडीशन में निकाला जाता है और सैचुरेटेड यूनिट वेट सैचुरेटेड कंडीशन में निकाला जाता है। अब सैचुरेटेड कंडीशन क्या है, मैंने आपको कल बहुत क्लियरली बताया था कि इफ ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विथ वॉटर, है ना, अगर पूरे के पूरे वॉइड्स में केवल क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और उसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं है, तो वो सॉइल क्या कहलाती है, मेरी सैचुरेटेड सॉइल कहलाती है। अब सॉइल को आपको सैचुरेट कैसे करना है, आप जैसे गमले के अंदर पानी डालते हैं तो स्टार्टिंग में आप देखते होंगे कि जब आप पानी डाल रहे हैं तो गमले में नीचे से बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं निकलता, लेकिन जैसे जैसे आप उसके अंदर पानी डालना बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे थोड़ी देर के बाद नीचे से पानी निकलने लगता है। तो वो इंस्टेंस जब नीचे से पानी निकलना चालू हो गया, वो इंस्टेंस हमें ये बताता है कि यहाँ पर हमारी सॉइल सैचुरेट हो चुकी है, ठीक है ना। तो सॉइल को सैचुरेट करना मतलब सॉइल के अंदर तब तक पानी डालना जब तक उसके वॉइड्स कंप्लीटली वाटर से फिलअप नहीं हो जाते। तो किसी भी सॉइल को लेकर के आइए और जैसे आपने ड्राई किया था उसी तरह से उसको पहले सैचुरेट कर लीजिए, उसके अंदर इतना पानी डालिए कि ना तो उसका वॉल्यूम बढ़े और ना उसके अंदर कोई भी वॉइड खाली रहे। उतना पानी आप जैसे ही उसके अंदर डाल देंगे उसके बाद उसका वजन ले लीजिए सेम बैलेंस पर रखिए और उसके वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर आप उसके वॉल्यूम से उसको डिवाइड करेंगे तो वो आपको पर यूनिट वॉल्यूम का वेट पता पड़ जाएगा और यही आपका क्या होगा, ये आपका सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल हो जाएगा, जिसे हम गामा सैचुरेट से दिखाते हैं। नाउ सी, आपको एक चीज और नीचे एक लाइन नीचे लिखी दिख रही होगी कि अगर कोई सॉइल नेचुरली ड्राई है, लेट सपोज दैट गर्मियों का सीजन है ना मान के चलिए, तो आप कुछ सॉइल निकाल के लाए अर्थ की सरफेस से टॉप सरफेस से, तो वहां पर सॉइल हो सकता है नेचुरली ड्राई हो, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी हो और बिल्कुल भी पानी सॉइल के अंदर ना बचाओ, तो सॉइल ऑलरेडी मेरा एकदम ड्राई हो चुका है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सॉइल मास को अगर बल्क यूनिट वेट निकालने जाएंगे तो हम जिस कंडीशन में सॉइल निकाल के लाए उसी कंडीशन में वेट लिया और उसके बाद वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो हमें बल्क यूनिट वेट मिल गया। सपोज ड्राई यूनिट वेट और निकालना था तो आपको क्या याद आया कि सर ने बताया था कि पहले इसको ओवन में रखना है, आपने उसको ओवन में भी रख दिया लेकिन सॉइल तो पहले से ड्राई था उसके अंदर बिल्कुल ही पानी नहीं था, तो ओवन में रखने से फर्क क्या पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ओवन में 24 घंटे रखे रहिए पानी है ही नहीं तो इवैपोरेट क्या होगा, आप बाद में उसको बाहर निकालेंगे तब भी उसका जो वजन आएगा वो कितना वजन आएगा, एकदम सेम वजन आएगा, जितना वजन आपने उसमें पहले लिया था उतना ही वजन एकदम बाद में भी बाहर निकल के आएगा। कोई दिक्कत हो रही है कि विकास जी, किसी का माइक्रोफोन ऑन है मेरे ख्याल से? सर एक डाउट था। बताइए सर, ड्राई और सैचुरेटेड स्टेट में सर जब सैचुरेटेड में सर सॉइलिंग आएगी मिट्टी में तो सर वॉल्यूम और वेट में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे सर? वॉल्यूम देखिए क्या होता है, किसी भी सॉइल के अंदर जब अपन पानी डालना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर तक उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता, थोड़ी देर तक क्या होता है केवल उसकी एयर रिप्लेस होती है, एयर बाहर निकलती है और पानी उस सॉइल के अंदर वॉइड्स में इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है जब उसके वॉइड्स 100% फिलअप हो जाते हैं वॉटर के साथ, अगर उसके बाद आप उसमें और पानी मिलाएंगे तो वो ओवर सैचुरेशन की तरफ जाती है, उसका जो वॉइड का वॉल्यूम होता है वो बड़ा होने लगता है। अब अगर उसके वॉइड का वॉल्यूम बड़ा होगा तो सॉइल का वॉल्यूम भी बड़ा होने लगता है। तो सॉइल के वेट पर और वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम पानी मिलाना स्टार्ट करते हैं तो सॉइल का वेट तो लगातार बढ़ता जाता है लेकिन सॉइल का वॉल्यूम इमीडिएटली बढ़ना स्टार्ट नहीं होता, वो तब तक नहीं बढ़ता जब तक के पूरे वॉइड वाटर से फिलअप नहीं हो चुके हैं। अगर आप उसके बाद फर्दर और पानी ऐड करते हैं तो क्या होगा, वॉइड अपने वॉल्यूम को बढ़ाएगा उस एडिशनल वाटर को होल्ड करने के लिए, और जब वो अपने वॉल्यूम को बढ़ाएगा एडिशनल वाटर को होल्ड करने के लिए तो पूरे के पूरे सॉइल का वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सर सॉलिड का भी वॉल्यूम बड़ा होगा? ना 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 ना, सॉलिड पर तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड के अंदर पानी नहीं जा रहा ना। जी सर, जी सर, पानी केवल कहाँ जा रहा है, सॉइल के अंदर जा रहा है। सॉलिड एक ऐसी चीज है जो हमेशा अपने वेट को अपने वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखेगा, क्योंकि सॉलिड के अंदर पानी कभी भी नहीं जाता, ठीक है ना सर? मेरा भी जी सर। इज दैट क्लियर ऑर नॉट? जी 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 सर, जी सर। बताइए सर, मेरा भी एक डाउट था। हाँ, दूसरा डाउट किसका है? हाँ सर, मेरा विवेक, विवेक सर, मैं ये पूछ रहा था कि ज्यादातर सॉइल की जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो सैचुरेशन के बराबर तो नहीं होती होगी? बिल्कुल नहीं होती।
है ना, तो अपन जब लैब में कोर कटर से सैचुरेटेड सॉइल का सैंपल लेते होंगे तो सर वो थोड़ा सा वाटर तो बाहर कर देते, सैंपल लेने के बाद सैचुरेट करते हैं, सैचुरेटेड सॉइल का सॉइल सैंपल नहीं लेते। सैचुरेटेड यूनिट वेट विवेक हर एक सॉइल के लिए डिफाइंड नहीं है, जैसे ग्रेवल्स, ग्रेवल्स कैन नॉट बी सैचुरेटेड, इसीलिए उसका सैचुरेटेड यूनिट वेट भी डिफाइंड नहीं है, उसका सैचुरेटेड यूनिट वेट निकाला नहीं जा सकता। तो उसको यस सर, तो उसको पैक्ड कंटेनर में उसको सैचुरेट करते होंगे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, उसको सैंपल को निकालने के बाद उसको एक एक फिल्म होती है जो चारों तरफ से टाइट होती है, उसके अंदर रखा जाता है जिससे उसका वॉल्यूम फर्दर ना बढ़े, और उसके अंदर पानी डाला जाता है, जितना पानी वो एब्जॉर्ब कर सकती है तब तक उसके अंदर पानी डालेंगे कंट्रोल सिचुएशन में कि उसका वॉल्यूम ना बढ़ पाए, ठीक है ना। हाँ, मतलब आर्टिफिशियली सैचुरेट करते हैं ना सैंपल, आर्टिफिशियली इसको सैचुरेट करते हैं, और कभी कभी सॉइल नेचुरली भी सैचुरेट होती है, अगर आप रेनी सीजन में जाके सैंपल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो पहले से ही सैचुरेट होगा, वो बिल्कुल भी पानी नहीं लेगा। जी सर, ठीक है, और किसी का कोई डाउट है क्या? आप इसी तरह से हाथ खड़ा कर सकते हैं, होस्ट आपको मौका देंगे डाउट पूछने का, और आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा था कि अगर कोई सॉइल नेचुरली सैचुरेट है अगर, या फिर कोई सॉइल नेचुरली ड्राई है, तो आप उस सॉइल का बल्क यूनिट वेट निकालिए, और बल्क यूनिट वेट निकालने के बाद उसका ड्राई यूनिट वेट या फिर उसका सैचुरेट यूनिट वेट निकालिए, आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, आपको एकदम सेम यूनिट वेट मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सॉइल तो नेचुरली ड्राई है या फिर वो सॉइल नेचुरली सैचुरेट है, तो बल्क यूनिट वेट उसके बराबर ही आना है, बाद में वो सैचुरेट ड्राई होगी नहीं, ठीक है। तो हमने टोटल तीन यूनिट वेट पढ़े हैं, हमने अब तक तीन यूनिट वेट पढ़े हैं, एक हमने सबसे पहला यूनिट पढ़ा वो बल्क यूनिट वेट था, सॉइल जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में उसका वेट अपॉन वॉल्यूम, दूसरा ड्राई यूनिट वेट पड़ा, सॉइल को ड्राई करके उसका वेट अपॉन वॉल्यूम, और तीसरा सैचुरेटेड यूनिट वेट पड़ा, सॉइल को सैचुरेट करके उसका वेट अपॉन उसका वॉल्यूम, इसका क्लियर हो ना, ठीक। अब हम अगले यूनिट वेट की तरफ जाते हैं, अगला यूनिट वेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको इसके अंदर चीजों को समझना होगा, है ना, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। व्यापम के अंदर 2018 का जो लास्ट एग्जाम था उसके मेरे ख्याल से सेट बी के अंदर समझ यूनिट वेट का क्वेश्चन आया था, तो समझ यूनिट वेट से क्वेश्चंस निकलते हैं, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, अगर आपने बायोएमसी नहीं पढ़ी तो बायोएमसी मैं आपको भी समझा दूंगा, आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बस थोड़ा सा अपना ध्यान अपनी स्क्रीन के ऊपर रखिएगा। समझ होता क्या है पहले तो इसे समझने की कोशिश करिए, व्हाट इज समझ। देखिए तीन तरह की चीजें होती हैं, जो पहली कंडीशन होती है वो होती है फ्लोटिंग, है ना। फ्लोटिंग किसे कहा जाता है, जब कोई चीज किसी भी लिक्विड की सरफेस पर तैर रही हो, कोई भी लिक्विड है उसकी सरफेस है, उस सरफेस के अंदर जब वो तैरती रहती है तब हम उसको बोलते हैं फ्लोटिंग, इज दैट क्लियर ऑन इट। अगला होता है सिंक्ड या सिंकिंग, सिंक्ड चीज होती है अगर वो उसके अंदर नीचे चली जाती है ना, और नीचे जाके बैठ जाती है, तो उसको बोलते हैं सिंक्ड ऑब्जेक्ट। अगला होता है सबमर्ज्ड। अब सबमर्ज्ड को बड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे यहाँ पर क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इस सैंपल को देखने के बाद कि ये तो सॉइल का सैंपल है, सर ने थोड़ी सी सॉइल ली है और सर ने थोड़ी सी सॉइल वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर सर ने फेंक दी है, ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, लेट अस सपोज दैट के आपने एक बाल्टी ली और आपने अपनी उस बाल्टी के अंदर ग्रेवल्स भर लिए, बड़े अच्छे से मेरी बात सुनिएगा, आपने एक बकेट लिया, एक बाल्टी ली और उस बाल्टी को आपने टॉप तक ग्रेवल्स से भर लिया, या फिर आपने किसी सॉइल से उसको टॉप तक भर लिया, और उसके बाद आपने उस बाल्टी के अंदर पानी डाला, ठीक है। आप स्टार्टिंग में जब पानी डालेंगे तो धीरे 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 वो सॉइल के अंदर पानी चलता चला जाएगा। लेट अस सपोज दैट सॉइल एकदम टॉप तक नहीं भरी, थोड़ी सी जगह बाकी है, आपने आधी बाल्टी को सॉइल से भरा है, आप पानी डालते जाएं, थोड़ी देर के बाद बाल्टी पूरी की पूरी पानी से भर जाएगी ऊपर तक, और जो सॉइल है वो पूरी तरह से उसके अंदर डूब जाएगी। Now it is the submerged condition. Now it is the submerged. आपकी आवाज बंद हो गई सर। हाँ विकास जी, आपकी आवाज बंद हो गई थी। Submerged condition वो condition होती है जब हम किसी भी particular soil को पानी के अंदर इस तरीके से डालते हैं कि वाटर का लेवल उसको क्रॉस कर जाए। एक नेचुरल एग्जाम्पल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जब एक नदी होती है और नदी गर्मियों में एकदम सूखी होती है, फिर बारिश में पानी का लेवल बढ़ता है, ठीक है ना, ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर उठती है और ग्राउंड वाटर टेबल धीरे धीरे ऊपर उठते 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 जो रिवर का बेड होता है उसके ऊपर आ जाती है ना, और वो पूरा बेड है वो वाटर टेबल का, रिवर बेड का सॉइल, वो रिवर बेड का सॉइल अब समझ कंडीशन में आ चुका है। इस बात को अच्छे से समझे, है ना। तो समझ कंडीशन का मतलब होता है कि
जो वाटर टेबल है वो वाटर टेबल धीरे 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 करके ऊपर उठती जा रही है, और जो फॉइल है वो वाटर टेबल के नीचे जा चुकी है, तब वो फर्मज कंडीशन में कहलाएगी। आवाज नहीं आ रही क्लियर सर। बिकाव जी मैं एक बार रिकनेक्ट करूं क्या, आप मुझे 5 मिनट का टाइम देंगे क्या? मैं जब तक बातचीत करता हूं बच्चों से, आप 5 मिनट में थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे लीजिए, मैं 5 मिनट में रिकनेक्ट हो रहा हूं। ठीक। विकास सर मेरा देख लिया करो हैंड, मैं अक्सर उठाता हूं और फिर डाउन कर लेता हूं। तो चलो कुछ बातें इम्पोर्टेंट बता दूं मैं जो नए जुड़े हैं बच्चों को। जो भी लोग अभी नए जुड़े हैं इसमें, वो जो आज जुड़े हैं जिन्होंने पिछली शायद 2 क्लासेस नहीं ली, या जो कल जुड़े हैं उन्होंने पिछली क्लास नहीं ली थी, तो जो भी वो वीडियो चाहते हो वो डायरेक्ट ले सकते हैं या फिर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो आप मेरा एक बार नंबर लिख लें तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप मेरा नंबर लिख लीजिए 7879208114। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, 7879208114। तो आपको इस नंबर पे जो है मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, जूम का थोड़ा सा सर्वर डाउन है, हम लोगों को उसका मैसेज भी पहले आ चुका था, तो अगर एक आध बार रिकनेक्ट होता है तो आप लोग अपने सिस्टम के ऊपर ही रहिएगा, मैं वापस आ जाऊंगा थोड़ी देर के अंदर। मेरे ख्याल से अभी सभी को मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी। मैंने जूम का सॉफ्टवेयर भी अपना अपडेट कर लिया, फ्रेमवर्क भी मैंने अपना अपडेट कर लिया है, तो आप लोग मुझे बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। हम लोग समर्ज इंटरप्रेट के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा था कि समर्जेंस होती क्या है। बेसिकली समर्जेंस, जैसा मैंने आपको बताया कि लेट अस सपोज दैट कोई एक पर्टिकुलर सॉइल है, इस तरीके का कोई सॉइल है, और यहाँ पर कहीं ग्राउंड लेवल है और वाटर टेबल अभी इस जगह पर मौजूद है ना। अभी वाटर टेबल लगातार ऊपर बढ़ती जा रही है, ऊपर बढ़ती जा रही है। अगर ये वाटर टेबल इस सॉइल के ऊपर आ जाए यहाँ पर, तो ये जो सॉइल कहलाएगी, ये सॉइल समर्जेंस में कहलाएगी। जैसे क्लियर हो नॉट, हमेशा एक बात याद रखेंगे, समर्जेंस कोई फ्लोटिंग कंडीशन नहीं होती, समर्जेंस कोई सिंकिंग कंडीशन भी नहीं होती, समर्जेंस इन दोनों से एकदम अलग है। समर्जेंस ऐसा एक कंडीशन है कि सॉइल अपनी जगह पर है लेकिन वाटर का लेवल धीरे 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 लिफ्ट होकर ऊपर आया, और वाटर का लेवल धीरे 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 लिफ्ट ऊपर आने होकर ऊपर आने की वजह से सॉइल उस वाटर के अंदर डूब गई, दैट्स इट। इसके अलावा समर्जेंस की और कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो थोड़ा सा समर्जेंस को आप एकदम क्लियर करके चलेंगे, समर्जेंस को अपने दिमाग के अंदर एकदम क्लियर करके आप लोग रखेंगे। नाउ सी, हम समर्ज यूनिट वेट को समझने की कोशिश करते हैं कि समर्ज यूनिट वेट होता क्या है। बेसिकली देखिए, समर्जेंस से एक दिक्कत क्या होगी हमें, यूनिट वेट कहीं पर भी आप चले जाइए, किसी भी यूनिट वेट के अंदर आप पहुंच जाइए, यूनिट वेट का मतलब तो हमेशा क्या रहेगा, गामा इक्वल्स टू हमेशा वेट अपॉन वॉल्यूम रहेगा। इसके अलावा और कोई यूनिट वेट की डेफिनेशन किसी भी किताब में नहीं दी हुई है। इससे क्लियर हो नॉट। नाउ समर्जेंस क्या होती है, जब समर्जेंस होती है और जब सॉइल वाटर के अंदर कंप्लीटली डूब जाता है, जब वाटर का लेवल उससे ऊपर निकल जाता है, तब एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, जिस प्रॉब्लम को आर्किमिडीज ने नाम दिया था बायनसी का। आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि जब एक पार्टिकल पूरी तरह से वाटर के अंदर है या वाटर ने उसको अच्छी तरह से सराउंड कर रखा है, तो वाटर क्या करता है, उस पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बायंसी का फोर्स अप्लाई करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक सॉइल का सैंपल है, ये सॉइल का सैंपल है, ये जो सॉइल का सैंपल है, इस सैंपल के ऊपर एक तो वेट लग रहा है नीचे की तरफ, ये इसका खुद का वेट है ना, दूसरा एक बायंसी का फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। ये बायंसी का फोर्स कौन लगा रहा है, पानी लगा रहा है। पानी असल में क्या करता है, पानी अपने घर में किसी को नहीं आने देता, पानी की टेंडेंसी होती है वो अपने अंदर किसी को नहीं आने देता जब तक कि उसका वजन जाता ना हो ऑब्जेक्ट का। पानी क्या करता है, उसको थ्रो आउट करने की कोशिश करता है, उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है, और उसको बाहर फेंकने के लिए उसके ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता है, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है इसको समझना जरूरी है, दैट इज नोन एज बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स की वैल्यू कितना होती है उसे समझना जरूरी है। बायंसी फोर्स की वैल्यू होती है ये जो ऑब्जेक्ट जितना पानी हटा रहा है इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाए गए पानी के वजन के बराबर। इससे क्लियर नोट क्या है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तो इस ऑब्जेक्ट के आने के पहले इस पूरी जगह पर, जितनी जगह में ये ऑब्जेक्ट है, इस पूरी जगह में क्या था, वाटर था। इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर आकर के उस वाटर को क्या कर दिया, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया,
क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आ गया तो उसने पानी को वहां से डिस्प्लेस कर दिया। अब इसने पानी को वहां से डिस्प्लेस किया तो जो पानी था वो अपनी जगह वापस लेना चाहता था, तो उसने इसके ऊपर फोर्स लगाया। अब वो उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, जितना उसका खुद का वजन है, जितना उसका खुद का वेट है। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने जितने वजन को, पानी के जितने वजन को डिस्प्लेस किया, अभी कितना पानी डिस्प्लेस करेगा अपने वॉल्यूम के बराबर, मतलब इसने जितने पानी को डिस्प्लेस किया उतना पानी का जो वजन है उतना फोर्स इस पर लगेगा ऊपर की तरफ, और उसको हम बोलेंगे क्या, बाइंसी फोर्स, जो इस ऑब्जेक्ट को कहां फेंकना चाहता है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकना चाहता है। ठीक है, तो अब इसमें आप थोड़ा सा क्लियरली अपने दिमाग के अंदर इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है और पानी के अंदर होने की वजह से इसके ऊपर एक बायंसी का फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बताइए कि वेट ज्यादा होना चाहिए, बायंसी का फोर्स ज्यादा होना चाहिए? डेफिनेटली वेट ज्यादा होना चाहिए, बायंसी का फोर्स ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बायंसी का फोर्स ज्यादा होता तो वो सॉइल को उखाड़ के बाहर फेंक देता, ऊपर कर देता। अगर बायंसी का फोर्स बाकी में ज्यादा होता तो वो सॉइल को ऊपर फेंक देता, फ्लोटिंग कंडीशन में लेके आ जाता, लेकिन सॉइल फ्लोटिंग कंडीशन में नहीं है, सॉइल पानी के अंदर है, और अगर सॉइल पानी के अंदर है तो डेफिनेटली वेट ज्यादा है, बायंसी का फोर्स कम है। ठीक है, नाउ सी क्लियरली, समझ कंडीशन में जब हम सॉइल का यूनिट वेट निकालने जा रहे हैं तो हमें वेट अपॉन वॉल्यूम ही करना है, लेकिन ये जो वेट होगा, ये वेट कौन सा वाला वेट होगा, ये वाला नेट वेट होगा या फिर ये वाला इफेक्टिव वेट होगा, है ना। इफेक्टिव वेट या फिर नेट वेट का मतलब क्या है, क्योंकि सॉइल पानी के अंदर है इसीलिए पानी उस सॉइल के ऊपर बायंसी का एक फोर्स लगा रहा है, और वो बायंसी का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है इसीलिए वो सॉइल के वेट को थोड़ा सा कम कर रहा है। सॉइल का नेट वेट कैसे निकाला जाएगा, वेट ऑफ सॉइल माइनस बायंसी फोर्स, वेट ऑफ सॉइल माइनस बायंसी फोर्स, और इसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो सॉइल का इफेक्टिव वेट होगा। बस समझ कंडीशन में सॉइल का इफेक्टिव वेट अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो जो यूनिट वेट हमें मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, समझ यूनिट वेट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बस इतनी भी डेफिनेशन होती है समझ यूनिट वेट की। तो यूनिट वेट हमेशा सेम रहेगा दोस्तों, यूनिट वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट वेट हमेशा वेट अपॉन वॉल्यूम ही रहता है, लेकिन समझ कंडीशन में क्योंकि सॉइल का वेट थोड़ा सा कम हो चुका है तो हमें अब पूरी की पूरी अपने दिमाग की थिंकिंग को कहां शिफ्ट कर देना है, उस सॉइल के कम हुए वेट को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप अगली स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं, मैं एक कैलकुलेशन आपको शो कर रहा हूं जिसके अंदर मेरी सॉइल का मैंने इफेक्टिव वेट निकालने की कोशिश की है। तो नेट वेट ऑफ सॉइल देखिए, नेट वेट ऑफ सॉइल क्या होगा, नेट वेट ऑफ सॉइल होगा वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल माइनस बायंसी। बायंसी को माइनस क्यों किया, क्योंकि बायंसी कम था और सॉइल का जो वेट था वो ज्यादा था। अच्छा, दूसरी बात, इसको हमने सैचुरेटेड सॉइल क्यों कहा, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल क्यों कहा, इसीलिए कहा क्योंकि ये जो सॉइल है ये पानी के अंदर है और इसके जो भी वॉइड्स होंगे, है ना, इसके जो भी वॉइड्स होंगे वो पूरे के पूरे वॉइड्स किससे फिलअप होंगे, पानी से। इसके वॉइड्स में जगह जगह पानी भरा हुआ होगा। अब इस सॉइल के अंदर जो पानी भरा हुआ है ना, वो पानी सॉइल का पार्ट हो चुका है। जितना भी पानी इसके वॉइड्स के अंदर जा चुका है वो पानी सॉइल का पार्ट हो चुका है। इज दैट क्लियर ऑन नॉट, इसीलिए क्योंकि ये सॉइल पानी के अंदर डूबी हुई है इसीलिए इसके पूरे के पूरे वॉइड्स क्या है, ऑल दी वॉइड्स आर फिल्ड विथ वॉटर। और क्योंकि पूरे के पूरे वॉइड्स वाटर से भरे हुए हैं इसीलिए ये वाली सॉइल कैसी सॉइल कही जाएगी, ये वाली सॉइल सैचुरेटेड सॉइल कही जाएगी। दैट्स व्हाई मैं वेट कौन सी सॉइल का कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वेट कंसीडर कर रहा हूँ सैचुरेटेड सॉइल का। तो सैचुरेटेड सॉइल का मैंने वेट ले लिया और उसमें से मैंने बायंसी को माइनस कर दिया। अभी बायंसी क्या है, जिसको मैं यहाँ पर बीफे दिखा रहा हूँ, बायंसी का फोर्स क्या है, ये उस पानी का वजन है, वेट ऑफ वॉटर, वेट ऑफ वॉटर displaced by objective, object हमारा यहाँ पर क्या हो गया, object है यहाँ पर हमारी soil हो गई, displaced by object, ठीक है। अब buoyancy का force हमको निकालना है, तो buoyancy का force हम लोग निकाल कैसे पाएंगे, है ना। अब जो displaced water है, जितना भी हमारा displaced water है, तो displaced water का volume किसके बराबर रहेगा, displaced water का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर रहेगा, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर, सॉइल के वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि सॉइल कितना पानी हटाएगा, जितना उसका खुद का वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का पानी वो हटा पाएगा। तो displaced water का वॉल्यूम और सॉइल सैंपल का वॉल्यूम एकदम सेम रहेगा। तो displaced water का वेट हम लोग निकाल सकते हैं क्या, displaced water का वेट हम लोग निकाल सकते हैं क्या, वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, है ना। यूनिट वेट इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट अपॉन वॉल्यूम में वॉल्यूम का इनटू कर दीजिए, आपको क्या पता पड़ जाएगा वेट। तो यूनिट वेट क्या है, वाटर का यूनिट वेट, वाटर का यूनिट वेट होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसमें किसका इनटू कर दीजिए, वॉल्यूम का, किसके वॉल्यूम का, सॉइल के वॉल्यूम का, क्योंकि सॉइल का वॉल्यूम और बहने वाले बहुत हैं मेरे पास, सेम है, है ना। तो इससे मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा।
नाउ अब इस चीज को हम लोग करके देखते हैं ना, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा इसका एक तरीका बताया। तो अभी तक की हमारी कहानी क्या थी कि मैंने इफेक्टिव वेट निकाला और इफेक्टिव वेट मुझे मिला सैचुरेटेड वेट माइनस का बायंसी फोर्स। अब मैं बायंसी फोर्स को आगे आने वाली स्लाइड पर क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। जैसे ही हम लोग आगे आने वाली स्लाइड के ऊपर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा डब्ल्यू सैचुरेटेड, सॉइल का वेट मैंने सैचुरेटेड वेट लिखा, लेकिन जो बायंसी का फोर्स था वो बायंसी का फोर्स मैंने क्या लिख दिया गामा इनटू वी सैचुरेटेड। वी सैचुरेटेड मतलब सॉइल का वॉल्यूम, और गामा डब्ल्यू क्या है, गामा डब्ल्यू लिखा हुआ है ये क्या है यूनिट वेट ऑफ वॉटर, वेट ऑफ वॉटर। यूनिट वेट ऑफ वॉटर की यूनिट कायम रही होगी वेट अपॉन वॉल्यूम, और इसमें मैंने इनटू क्या कर दिया वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल का इनटू मैंने क्यों किया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल और डिस्प्लेस्ड वाटर इन दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम है। तो यहां पर मैंने लिखा सैचुरेटेड सॉइल का वॉल्यूम है, लेकिन यहां पर मैं यूज क्या कर रहा हूँ डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम यूज कर रहा हूँ। तो वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम क्या मिल रहा है वेट, वेट माइनस वेट मुझे क्या मिल जाएगा इफेक्टिव वेट। मैंने क्या किया इन तीनों को डब्ल्यू डैश डब्ल्यू सैचुरेटेड और गामा डब्ल्यू इनटू वी सैचुरेट को मैंने वी सैचुरेट के साथ डिवाइड कर दिया, तीनों जगह मैंने वी सैचुरेट के साथ डिवाइड कर दिया, मैथमेटिक्स मेरी बैलेंस रही। तो वी सैचुरेट से वी सैचुरेट कैंसिल आउट हो गया, डब्ल्यू डैश अपॉन वी सैचुरेट सॉइल इफेक्टिव वेट इन कंडीशन ऑफ बायंसी, डब्ल्यू डैश इज इफेक्टिव वेट इन कंडीशन ऑफ समर्जेंस अपॉन सॉइल का वॉल्यूम, ये क्या बन गया मेरा समर्ज यूनिट वेट, यूनिट वेट यही होता है ना। डब्ल्यू सैचुरेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ये क्या होता है मेरा गामा सैचुरेट, और यहां तो केवल क्या बचा हुआ है गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो मेरा फाइनल जो मेरा जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है, फाइनल मेरा फॉर्मूला निकल के क्या आता है कि गामा डेफ मतलब समर्ज यूनिट वेट, समर्ज यूनिट वेट की वैल्यू कितनी होगी गामा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस गामा डब्ल्यू। तो ये इक्वेशन आपको बेसिकली याद रखनी है, ये इक्वेशन कई बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर कि समर्ज यूनिट वेट का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, इट इज गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, इतनी सी बात है, ये आपको याद रखना होगा। इसको कैसे निकालते हैं वो तरीका भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, तो अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार और मेरा लेक्चर देखकर इस तरीके को थोड़ा सा परफॉर्म करके देख सकते हैं अपने आप रिकॉर्डिंग देख करके, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन फॉर्मुला आप लोगों को सभी लोगों को इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ओके नाउ लास्ट में सबसे अंतिम यूनिट वेट, हम टोटल चार यूनिट वेट पढ़ चुके हैं, हमने पहला यूनिट बल्क यूनिट वेट पढ़ा, फिर ड्राई यूनिट वेट पढ़ा, फिर सैचुरेटेड यूनिट वेट पढ़ा, उसके बाद समर्ज यूनिट वेट पढ़ा, और अब हम लास्ट यूनिट वेट के ऊपर आए हैं दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। नाउ व्हाट इज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, अगर हम यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, अब सॉइल नहीं है ध्यान रखिएगा, चार यूनिट वेट सॉइल के थे, अब यहां पर आप देखिएगा यहां पर क्लियरली क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, ये सॉइल का यूनिट वेट नहीं है पांचवा, ये सॉलिड का यूनिट वेट है, सॉलिड का यूनिट वेट क्या होता है, आपके पास जो सॉलिड्स हैं, मैं पूरी सॉइल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास जो पूरा का पूरा सैंपल था उस पूरे के पूरे सैंपल में आपके पास जो सॉलिड्स हैं, है ना, केवल सॉलिड्स की बात हो रही है, वॉइड्स को हटा दीजिए, आपके पास जो सॉलिड्स हैं, आप केवल सॉलिड्स के ऊपर आ जाइए और उन सॉलिड्स का वेट निकाल लीजिए कि उन सॉलिड्स का वेट क्या निकल के आ रहा है, लेट अस सपोज दैट उन सॉलिड्स का वेट निकल के आ रहा है डब्ल्यू सॉलिड या डब्ल्यू ड्राई, डब्ल्यू ड्राई इज ऑल्सो द वेट ऑफ डब्ल्यू सॉलिड्स, उसके बाद नीचे क्या कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। तो W सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड करेंगे तो W सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड करेंगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, अगेन एक यूनिट वेट, क्योंकि आपने क्या किया W अपॉन वॉल्यूम, तो ये यूनिट वेट हमारा क्या कहलाएगा गामा सॉलिड, इज दैट क्लियर ऑन, ये हमारा क्या कहलाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो एक बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर याद रखेंगे कि अगर आपको सॉलिड्स के संग काम करना है, अगर आपको वेट और वॉल्यूम सॉलिड्स का देखना है, आपको वेट ऑफ सॉलिड्स को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड करना है तो आपको गामा सॉलिड मिल जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि हमने गामा सॉलिड आखिर क्यों बनाया, हमारे पास इतने यूनिट वेट थे चार, वो कम पड़ रहे थे क्या, आखिर हमने इनको क्यों बनाया। आप जितने भी यूनिट वेट हमने अब तक पढ़े उन यूनिट वेट्स को देखिए, हमने सबसे पहले बल्क यूनिट वेट पढ़ा, उसके पहले हमने ड्राई, उसके बाद ड्राई यूनिट वेट पढ़ा, उसके बाद गामा सैचुरेटेड पढ़ा, और लास्ट में हमने गामा डैश पढ़ा। इन चारों को देखिए, इन चारों के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है ना, और इन चारों के साथ छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि इनके नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉइल आता है, इन सभी के नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉइल आता है, ऊपर अलग अलग चीज आ रही है, किसी में कुछ है किसी में कुछ है किसी में कुछ है, लेकिन चारों में नीचे एक ही चीज है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉइल होने की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि अगर हम किसी सॉइल के अंदर वाटर बहुत ज्यादा डालते हैं और वो ओवर सेचुरेशन में पहुंच जाती है, या फिर हम उसके ऊपर कोई प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर लगाने की वजह से अगर उसका कंप्रेशन हो जाता है,
तो फॉइल का वॉल्यूम हमेशा चेंज हो जाता है, ऑलवेज रिमेंबर इट। अगर कोई फुटिंग है और फुटिंग पर लगातार लोड आ रहा है तो टाइम के साथ आप देखेंगे जो सबसॉइल है उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे 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 चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक कॉन्स्टेंट पैरामीटर नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक स्टेबल पैरामीटर नहीं होता, ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। पानी के आने और जाने के साथ भी चेंज हो सकता है और लोडिंग के साथ तो ये चेंज होता ही होता है, वॉल्यूम हमेशा सॉइल का कम होता है। तो ये जितने भी यूनिट वेट हैं, जितने भी यूनिट वेट हमने पढ़े थे, इनमें से एक भी यूनिट वेट हमें कॉन्स्टेंट नहीं मिला, एक भी यूनिट वेट हमें कॉन्स्टेंट नहीं मिला। ये सब यूनिट वेट कैसे हैं, ये पूरे के पूरे यूनिट वेट वेरिएबल हैं, क्योंकि ये नीचे क्या लेके चल रहे हैं, हर जगह वॉल्यूम ऑफ सॉइल। आपने अभी तक देख के आया हर जगह क्या लेके चल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कॉन्स्टेंट नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ सॉइल लोड लगने पर लगातार चेंज होता रहता है, इसीलिए ये यूनिट वेट मैथमेटिक्स में उतने काम के नहीं रहेंगे। और हमें सॉइल मैकेनिक्स मैकेनिक्स पढ़नी है, मैकेनिक्स मतलब हमें तो केवल मैथमेटिक कैलकुलेशन से मतलब है, और सी कैलकुलेशन से हमें कोई मतलब है नहीं। तो ये पूरे के पूरे जो यूनिट वेट होंगे, यूनिट वेट वेरिएबल्स होंगे, इसीलिए हम इन यूनिट वेट्स का उतना उपयोग सॉइल मैकेनिक्स के अंदर नहीं करते। अब हमें एक कॉन्स्टेंट यूनिट वेट चाहिए था, तो हमने दिमाग लगाया कि आप कॉन्स्टेंट यूनिट वेट कैसे मिलेगा, तो हमें पता पड़ा कि सॉइल के अंदर सॉलिड एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। चाहे आप लोड लगा लीजिए, चाहे आप पानी बढ़ा लीजिए, चाहे पानी निकाल लीजिए, चाहे आपको ओवन में रख दीजिए, आपको जो करना है वो कर दो, लेकिन जब तक या तो आप सॉइल को एकदम क्रश नहीं कर दोगे या फिर सॉइल को एकदम जला नहीं दोगे, तब तक सॉइल का सॉलिड चेंज नहीं हो सकता। और सॉइल मैकेनिक्स में ये दो चीजें परमिट नहीं होती, ना तो सॉइल को आप ज्यादा टेम्परेचर पर जला सकते हो, ना उसको क्रश कर सकते हो। अब अगर आपको सॉलिड कॉन्स्टेंट मिल गया, तो जो कॉन्स्टेंट यूनिट वेट था वो भी आपने यहीं से निकालने का सोचा, इसलिए आपने इन सॉलिड्स का वेट निकाला अलग से और इन सॉलिड्स का वॉल्यूम निकाला अलग से। अब बच्चों को लगता है कि सर वेट निकालना तो समझ में आता है, लेकिन वॉल्यूम आप निकालोगे कैसे, वॉल्यूम आपको पता कैसे पड़ेगा? तो वॉल्यूम पता पड़ जाता है सॉलिड्स का, आपको वो प्रैक्टिकली पता नहीं पड़ेगा, आपको थ्योरेटिकली पता पड़ेगा। हम जैसे जैसे सॉइल के अंदर आगे जाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से निकाल सकते हैं, कैसे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बना सकते हैं, ये चीजें आपको अभी धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। वेट ऑफ सॉलिड में तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं है, आप सॉइल को ओवन ड्राई कर लीजिए, सबसे अच्छा मेथड होता है। ओवन ड्राई करके आपको जो वेट मिलता है वो क्या हो जाता है, वेट ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी निकल जाता है। आप टोटल वॉल्यूम अपना सॉइल का निकाल लीजिए, उसके बाद वॉइड रेशियो का यूज करके या फिर ड्राई यूनिट वेट का यूज करके या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज करके आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी मैथमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ दैट क्लियर ऑर नॉट? तो मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ सॉलिड मैंने दो चीजें निकाली, और दो चीजें निकालने के बाद मैंने अपना गामा सॉलिड बना लिया। गामा सॉलिड बना के मैंने क्या काम किया, एक कॉन्स्टेंट यूनिट वेट बनाया, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड भी हमेशा मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि गामा सॉलिड एक ऐसा पैरामीटर है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। सॉइल की लाइफ स्पान में हमारे क्वेश्चन में सॉइल के साथ कुछ भी हो जाए, लोड लगे, पानी आए, पानी जाए, लेकिन गामा सॉलिड एक ऐसी चीज है जो कॉन्स्टेंट रहेगी, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक, अब एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये जो यूनिट वेट होते हैं, इन यूनिट वेट्स का ऑर्डर बताइए, इन यूनिट वेट्स का ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, है ना? तो गामा सॉलिड तो सबसे बड़ा होगा। गामा सॉलिड सबसे बड़ा होने का रीजन क्या है, आप नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये सबसे छोटा होता है। और बात बाकी के जितने भी यूनिट वेट थे उनमें नीचे क्या लिखा हुआ था, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबसे छोटा होता है। अब क्योंकि इसमें नीचे सबसे छोटी चीज लिखी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, एक नंबर पे आता है, सबसे बड़ा होता है किसी भी सॉइल के लिए। गामा सॉलिड एक नंबर पे आता है, तो एक नंबर पे हमने क्या लिखा, गामा सॉलिड लिखा। अब हम बाद बाकी चीजों में आ जाए, बाद बाकी चीजों में आएंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन सब में नीचे क्या चलता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, चाहे गामा सैचुरेट हो, चाहे गामा बल्क हो, चाहे गामा डी हो, और चाहे गामा सबमर्ज्ड हो, गामा सबमर्ज्ड है, यहाँ पे एक टेस्ट लगा हुआ है ना। तो इन चारों में क्या चल रहा है, इन चारों में नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉइल चल रहा है, तो नीचे से तो कंपैरिजन हो नहीं सकता, ऊपर से करते हैं। ऊपर क्या होता है, वेट। अगर हमने वेट देखा तो वेट सबसे ज्यादा किसका होगा, सैचुरेटेड का, क्योंकि वहां पर पानी भी है और सॉलिड भी है। तो हमने दूसरे नंबर पर क्या लिख दिया, सैचुरेटेड। तीसरे नंबर पर क्या लिखा, बल्क। तीसरे नंबर पर बल्क क्यों लिखा, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी बाहर निकल सकता है, सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड हो सकती है। चौथे नंबर पर गामा डी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केवल सॉलिड सॉलिड है। और आखिरी नंबर पर, और आखिरी नंबर पर हम लोगों ने क्या लिखा, गामा डैश, सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड हमने क्यों लिखा, पांचवें नंबर पर, आखिरी नंबर पर। ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर क्या है, बायंसी के फोर्स के आने की वजह से सॉइल का वजन बहुत कम हो जाता है, लगभग आधा हो जाता है, लगभग आधा वजन हो जाता है ना। तो सॉइल का वजन यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा, वेट सबसे कम हो जाएगा, इसलिए हमने पांचवें नंबर पर ही रखा। तो ये ऑर्डर है, इसको याद रखेंगे, पहले नंबर पर गामा सॉलिड, दूसरे पे गामा सैचुरेटेड, तीसरे पे गामा बल्क, चौथे पे गामा डी, और पांचवें पे गामा डैश। अब आप यहाँ पे एक बराबर का साइन भी देख रहे होंगे, गामा सैचुरेट और गामा बल्क के बीच में, और गामा डी और गामा बल्क के बीच में बराबर का साइन आपको क्या दिखा रहा है, ये बराबर का साइन आपको ये बता रहा है कि जब सॉइल नेचुरली सैचुरेटेड होगी तब गामा सैचुरेटेड गामा बल्क बराबर भी हो सकते हैं,
जब सॉइल नेचुरली ड्राई होगी तब गामा बल्क और गामा ड्राई भी दोनों बराबर हो सकते हैं, तक क्लियर हो? तो मेरे ख्याल से ऑर्डर आप सभी को याद रहेगा। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है, मध्य प्रदेश नहीं और भी दूसरे स्टेट के जो एग्जाम होते हैं छोटे उनके अंदर भी ये चीज बहुत पूछी जा चुकी है। तो इसको बहुत अच्छे से ऑर्डर को याद रखेंगे, अपने दिमाग के अंदर मेमोरी के अंदर इसको बसा लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नौ सी, यूनिट वेट पढ़ने के बाद जो तीसरा एक हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? नाउ सी क्लियरली व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी अगेन मैं सॉइल के रिस्पेक्ट में आप लोगों से बात नहीं करूंगा, है ना, सॉइल के रिस्पेक्ट में आप लोगों से कोई भी बातचीत नहीं करूंगा। मैं आपसे केवल स्पेसिफिक ग्रेविटी की पहले बातचीत करूंगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक बात और छोटी सी याद रखिएगा, ये जो हम पॉइंट पे खड़े हुए हैं सॉइल मैकेनिक्स के स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर ये आपका मिस होता है तो पूरी सॉइल के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स में टिल द फाउंडेशन इंजीनियरिंग ऐसे बहुत कम न्यूमेरिकल्स हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज नहीं होता। बहुत बहुत कम न्यूमेरिकल्स हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज नहीं होता। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को बहुत अच्छे से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर और बहुत आसान है, लाइक 2+2=4, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने आज तक नहीं पढ़ी, है ना, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेनी है और अपनी मेमोरी में अच्छे से स्टोर कर लेनी है, दैट्स इट, और आपको अच्छे से समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बना के रखिएगा। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों ने इसलिए बनाई है जिससे हम किसी चीज के बारे में ये पता कर सकें कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हल्का है या कितना भारी है, कोई चीज कितनी हल्की है या कितनी भारी है। अब छोटी सी दिक्कत आई, अगर किसी चीज को हल्का बताना है या किसी चीज को भारी बताना है तो हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है, रेफरेंस चाहिए होता है। रेफरेंस कैसे? जैसे कि लेट अस सपोज दैट एक बच्चा है, एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, उसका वेट है 65 kg, मैं फट करूं। अब हमें ये बताना है कि वो हल्का है या भारी है, बिना रेफरेंस के नहीं बता सकते, क्योंकि अगर एक छोटे से बच्चे से कंपेयर करोगे जिसका वेट 50 kg है तो वो भारी है, अगर एक आदमी से कंपेयर करोगे जिसका वेट 80 kg है तो वो हल्का है। तो हमें क्या चाहिए? रेफरेंस चाहिए। तो हमने दो रेफरेंस बनाए। अगर हम बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड की, अगर हम कभी भी बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड की तो हमारा रेफरेंस होगा वाटर। अगर हम बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड की तो हमारा रेफरेंस होगा वाटर। हम वाटर के कंपैरिजन में देखेंगे कि वो हल्का है या भारी है। और अगर हम गैस की बात करेंगे, अगर हम गैस की बात करेंगे तो हमारा रेफरेंस होगा ऑक्सीजन या एयर। हम ऑक्सीजन और एयर से कंपेयर करके देखेंगे और तब बताएंगे ये चीज हल्की है या ये चीज भारी है। अब ऑक्सीजन और एयर का तो हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है, है ना, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं, हम लोग वो पढ़ाई करने वाले हैं, हमारा जो पूरा सॉइल रहेगा वो सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, है ना। मैं 2 मिनट, एक छोटा सा बग आ रहा है, मैं बस 2 मिनट में रिकनेक्ट हो रहा हूँ, दे रहा हूँ सर। जी, तो अब हम लोग जब स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर हम लोग जब बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो हम हमेशा वाटर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमेशा क्या आना है? सॉइल ही आना है। अच्छा, एक बात और याद रखिए, कई बच्चे मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि सॉइल के अंदर तो गैस भी होती है, सॉइल ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट आपने बताया था, उसके अंदर लिक्विड भी है, उसके अंदर सॉलिड भी है, उसके अंदर गैस भी है। एज अ होल जो सॉइल होती है वो सॉलिड की तरह ट्रीट किया जाता है, तो आप इस चक्कर में मत पड़े, इसलिए आप परेशान ना हो, उसको सॉलिड की तरह लेते हैं। पूरा जो सॉइल होता है वो सॉलिड ट्रीट करते हैं, उसको गैस ट्रीट नहीं करते, क्योंकि गैस गैस नहीं है वहां पर, है ना। नो सी क्लियरली, अगर आप एक सॉइल को कभी भी देखना चाहेंगे कि वो सॉइल का वो सॉइल भारी है या वो सॉइल हल्की है, वो सॉइल कैसी है, तो आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, और रेफरेंस हमेशा हमारा कौन सा रहेगा? वाटर रहेगा, वाटर मटेरियल रहेगा। अब हम ये चीज चेक कैसे करेंगे, हम इसको देखते हैं, है ना। हम हमेशा क्या करेंगे, उनके यूनिट वेट को चेक किया करेंगे। यूनिट वेट को कैसे चेक किया करेंगे? आपके पास कोई भी सॉइल है तो आप सॉइल का क्या कीजिए, यूनिट वेट निकाल लीजिए। तो आपने सॉइल का यूनिट वेट फाइंड आउट कर लिया, लेट अस सपोज दैट सॉइल का जो यूनिट वेट है वो कितना निकल के आया, वो गामा निकल के आया। अब आप क्या कीजिए, गामा को गामा डब्ल्यू से डिवाइड कर दीजिए। गामा को गामा डब्ल्यू से डिवाइड किया मतलब आपने यूनिट वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर दिया, है ना। अब आपने जैसे ही इसको यूनिट वेट ऑफ वाटर से डिवाइड किया, अब आपको कुछ वैल्यू आएगी। अगर वो वैल्यू एक से बड़ी आती है, अगर वो वैल्यू एक से बड़ी आती है तो आपको क्या पता पड़ गया कि ये चीज भारी है। अगर वो चीज एक के बराबर आती है तो आपको क्या पता पड़ गया कि ये चीज पानी के बराबर वजन की है। और अगर वो चीज एक से छोटी आती है तो आपको क्या पता पड़ गया कि ये चीज पानी से भी हल्की है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब तो केवल इतना होता है,
स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए आप केवल क्या काम कीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए, केवल सॉइल के लिए नहीं, किसी भी सब्सटेंस के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी से दिखाते हैं, को फाइंड आउट करने के लिए आप किसी भी चीज का यूनिट वेट निकालिए और उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, यूनिट वेट ऑफ वाटर से, अगर वो सॉलिड और लिक्विड है तो, और अगर वो गैस है तो किसी भी चीज का यूनिट वेट निकालिए और उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, एयर के यूनिट वेट से, तो आपको पता पड़ जाएगा कि वो चीज हल्की है भारी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिर्फ इतना मतलब होता है, मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आया होगा, किसी भी चीज के यूनिट वेट को रेफरेंस मटेरियल के यूनिट वेट से डिवाइड कर दीजिए। अब हम आगे चलते हैं और सॉइल के अंदर पहुंचते हैं। सॉइल के अंदर बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पर असली और नकली वाला खेल है, आपको बड़े अच्छे से एक फिल्टर लगाना पड़ेगा अपनी आंखों के सामने। सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दो तरीके की होती है, एक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ट्रू का मतलब होता है आप सभी लोग जानते हैं, ट्रू का मतलब होता है सही और अपेरेंट का मतलब होता है आभासी या झूठा, है ना, झूठा नहीं कहते, मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ऐसा होता है कि ये है लेकिन ऐसा है नहीं, हमें दिख रहा है केवल, अपेरेंट है। और ट्रू का मतलब क्या होता है, सही। तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये असली वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी है और ये फर्जी वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी है, है ना। अब हम इन दोनों को क्यों पढ़ रहे हैं, हमें फर्जी को कभी भी यूज में नहीं लेना, हमें हमेशा असली वाली को यूज में लेना है, लेकिन हम फर्जी वाली को पढ़ क्यों रहे हैं, जिससे हम इससे सावधान रह सकें और हम सॉइल मैकेनिक्स के अंदर बड़ा क्लियरली ये समझ जाएं कि ये गलत वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी आ चुकी है, इससे दूर रहिए, इससे थोड़ा सा दूर रहिए, नहीं तो ये पूरे न्यूमेरिकल को खराब करके रख देगी, पूरे कंसेप्ट को खराब करके रख देगी। इसलिए इन दोनों के बीच में हमें बहुत अच्छे से डिफ्रेंसिएशन कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इनकी असलियत और इनकी फर्जियत को पहचानने में तो आप तुरंत मुझे बताइएगा, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। ओके, सबसे पहले फर्जी वाली पर आते हैं, मास वाली पर, है ना, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। हम लोगों ने एक यूनिट वेट पढ़ा था सॉइल का, जिसे हम बोलते हैं बल्क यूनिट वेट, मेरे ख्याल से सभी लोगों को याद होगा, हमने अभी अभी बल्क यूनिट वेट के बारे में पढ़ा है थोड़ी देर पहले। अब जो बल्क यूनिट वेट हमने पढ़ा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई गामा बी। अगर हम सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए गामा बी का यूज कर लेते हैं और हम ऐसे निकालते हैं कि बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन गामा डब्ल्यू, तो ये फर्जी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आती है। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी फर्जी क्यों कहला रही है, ये गलत स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों कहला रही है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे से, है ना। मैंने आपको गामा बी के संग एक प्रॉब्लम बताई थी, इवन गामा बी नहीं, जितने भी गामा थे सॉलिड को छोड़कर, मैंने आपको उनके संग प्रॉब्लम बताई थी। उनके संग प्रॉब्लम क्या थी, उनके संग प्रॉब्लम ये थी कि वो गामा चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वो गामा अपने अंदर लेके चलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल को। आपने लोड लगाया, आपने लोड बढ़ाया, या आपने लोड कम किया, या आपने पानी डाला, या आपने पानी निकाला, आपने कुछ भी काम किया, आपने कैसा भी काम किया, उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। सॉइल का वॉल्यूम चेंज होने की वजह से गामा बी चेंज हो जाएगा, और गामा बी चेंज हो गया तो यहाँ पर आपका ये जी चेंज हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। मतलब सॉइल कभी आपको थोड़ी ज्यादा भारी लगेगी, थोड़ी कम भारी लगेगी, कभी बराबर लगेगी, मतलब सॉइल के बारे में आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे, वो पानी के कंपैरिजन में अपने यूनिट वेट को चेंज करती रहेगी, अपने वेट को चेंज करती रहेगी। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब एक न्यूमेरिकल के अंदर हमें अगर सॉइल के अंदर पानी बढ़ गया दूसरा जी यूज करना पड़ जाएगा, लोड लग गया दूसरा जी यूज करना पड़ जाएगा, लोड हट गया दूसरा जी यूज करना पड़ जाएगा, हम कैसे जी निकालेंगे, इस तक लिए हम कितने जी निकालेंगे। इसीलिए इस स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये अपने अंदर गामा बल्क को लेकर चलती है, और गामा बल्क क्या है, एक बहुत ही बेकार पैरामीटर है। गामा बल्क क्या है, एक बहुत ही गंदा पैरामीटर है, क्लियर हो नॉट। इसीलिए हम कभी भी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज नहीं करेंगे, हम गामा बी को यूज नहीं करेंगे। अब हम आते हैं असली वाले पर। असली वाला मतलब अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब मैंने आपको एक यूनिट वेट बताया था, वो यूनिट वेट इसी पल के लिए बना था, वो यूनिट वेट इसी के लिए बना था, यूनिट वेट का नाम था गामा सॉलिड, और मैंने आपको बोला था कि गामा सॉलिड का जो मतलब होता है वो होता है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और सॉलिड एक ऐसी चीज है जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, उसका वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट रहेगा और उसका वजन भी हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, सब क्लियर होना। तो गामा सॉलिड एकदम कॉन्स्टेंट एक पैरामीटर हो गया, वो कभी भी अपने वजन को चेंज नहीं करता, कभी भी अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करता। तो हमने क्या किया, सॉइल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसके साथ निकाला, गामा सॉलिड के साथ निकाला, और गामा सॉलिड के साथ हमने देखा कि ये गामा डब्ल्यू के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है। मतलब हमने सॉलिड्स के लिए बात करी कि सॉलिड्स जो सॉइल के अंदर हैं वो पानी के कंपेरिजन में हल्के हैं या भारी हैं, और वो ये तय करेंगे कि सॉइल हल्की है या सॉइल भारी है। अब यहाँ से हमें एक फायदा होगा, और एक फायदा हमें क्या होगा, हमें ये फायदा होगा कि हमें ये कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि गामा सॉलिड कभी चेंज होता नहीं है, है ना।
और गामा सॉलिड भी कभी चेंज नहीं होता। इसकी वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में लेनी है तो मैंने पहली स्लाइड के ऊपर बताया था कि 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब की इसकी वैल्यू रहेगी। तो ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू हम मानते मान के चलते हैं, गामा सॉलिड कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से जो जी निकलेगा वो जी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मुझे एक यहाँ से फायदा होगा, मुझे अपने न्यूमेरिकल के अंदर कुछ भी हो जाए, चाहे सॉल के ऊपर वजन आ जाए, चाहे सॉल के ऊपर पानी आ जाए, चाहे पानी उसके अंदर से चले जाए, जो भी कुछ हो, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी जो सॉइल होगी वो सॉइल हमारी हमेशा क्या दिखाएगी, एक सेम यूनिटिवेट दिखाएगी, क्योंकि अब ये एक सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी दिखाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके टर्म्स में निकल रही है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड्स के टर्म्स में निकल रही है, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कॉन्स्टेंट रहेगी और मैं सब न्यूमेरिकल्स में इसका बड़ी आसानी से उपयोग कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने इनका अभी आपको क्लासिफिकेशन बताया, जल्दी से अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इस चीज को लेकर, और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अमन का था डाउट पहला जी, अमन बताइए। 201 सर, ये गामा सॉलिड और गामा बल्क में डिफरेंस किसमें, ये गामा सॉलिड और गामा बल्क में डिफरेंस? आप अभी लेट आए क्या? नो सर, पहले भी कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं सर पहले भी। नहीं नहीं, अभी आप अभी मेरी क्लास लेट ज्वाइन किए हैं क्या? नो सर, मैंने गामा बल्क और गामा सॉलिड की पूरी डेफिनेशन बताई थी। जी सर। आपने पढ़ी थी वो? जी सर। तो उसमें आपने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, गामा बल्क क्या होता है? गामा बल्क होता है वेट ऑफ सॉइल। अमन मैं ये पहले ही पढ़ा चुका था, है ना? जी सर। वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और गामा सॉलिड होता है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये सॉइल के टर्म्स में चलता है पूरी, और ये फिर सॉलिड के टर्म्स में चलता है। ठीक है जी सर। और क्यों कोई डाउट है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से किसी को नहीं है। अगेन छोटू आ गया। छोटू वही बात बोल रहा है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाई है, डिफरेंस बिटवीन मास डाउट आ गया सर, एक डाउट आ गया। हाँ जी बताइए। शुभम का है, बताओ शुभम। हेलो सर। हाँ क्या आपने बोला कि अगर बॉडी पानी के अंदर डूबी हुई तो हम उसको सबमर्ज बोल रहे हैं, अच्छा, लेकिन अगर कोई फाइल ऐसी है जो आधी पानी के अंदर पानी के बाहर, सर उसको फिर आधी 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 सबमर्ज है, आधी बल्क है, आधी सबमर्ज है और आधी बल्क है, तो सर उसकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? सर आपका म्यूट हो गया। जी जी शुभम, अगर सॉइल ऐसी है, मैं तुम्हें बना के बताता हूँ, लेट अस सपोज दैट कि वो सॉइल ऐसी है, ये मेरी सॉइल है और इसमें आधे तक पानी भरा है ना, यहाँ पानी भरा हुआ है और आधी सॉइल में, लेट अस सपोज दैट इतना मेरा पानी भरा हुआ है और आधी सॉइल में ये मेरी सॉइल ऊपर निकल रही है, इतनी मेरी सॉइल ऊपर निकल रही है, तो यहाँ पर जो सॉइल आ रही है उस सॉइल को मैं बल्क से निकाल लूंगा और जो नीचे मेरी सॉइल आ रही है उसको फर्स्ट बल्क से निकाल दूंगा। जी तो दोनों जगह सेम रहेगा क्योंकि जी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें तो गामा सॉलिड लगता है और गामा सॉलिड यहाँ ऊपर भी सेम रहेगा क्योंकि सॉलिड के टर्म्स में चल रहा है, और गामा सॉलिड नीचे भी सेम रहेगा क्योंकि सॉलिड के टर्म्स में चल रहा है। ठीक है शुभम। ओके सर। और कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेम चीज के जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस यही होता है कि हमारी जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, और जो हमारी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है ना। नाउ सी स्पेसिफिक ग्रेविटी की कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं जो वैल्यूज आपको थोड़ा सा याद रखनी होंगी, और ये वैल्यूज आपको आपके एग्जाम्स के अंदर भी पूछी जा सकती है।
अब मैं जब भी कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बातचीत करूंगा तो हमें याद रखिए कि मैं आपसे एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में ही बातचीत करूंगा। अगर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि वो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जहां भी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी हुई होगी वो आपकी ग्रेविटी हमेशा कौन सी होगी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, दैट इज जीए। तो जीए की वैल्यू है फेंड के लिए फिल्टी एंड, ये फेंड लिखा हुआ है ना, फिल्टी एंड फेंड के लिए, इनऑर्गेनिक फिल्ट के लिए, इनऑर्गेनिक क्ले के लिए, ऑर्गेनिक क्ले के लिए, सॉइल विथ मिका और आयरन, ऑर्गेनिक सॉइल्स है ना, सॉइल्स विथ मिका और आयरन, ये चीज थोड़ा सा रिपीट हो गई है, ये यहाँ भी और यहाँ भी सेम ही आ गया है। दूसरा नीचे आप देखेंगे तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो व्यापम के अंदर पूछा गया 2012 के पेपर में, उसे मैंने नीचे लिया हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने का स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है। अब बच्चे यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं, एक बुक आती है सॉइल की, बुक का नाम है बीसी पुनमिया, मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों ने उसी में सॉइल पढ़ी होगी। जब आप उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर एक 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की लाइन मिलती है। तो बच्चों को लगता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का, वो 4 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो 27 डिग्री सेल्सियस है इंडिया के अंदर, है ना। हम सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का यूनिट वेट निकालने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो वाटर का यूनिट वेट आता है दैट इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब को निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर ऑन नॉट नो सी क्लियरली बीसी पुनमिया जी क्या लिखते हैं, बीसी पुनमिया जी ये लिखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए वाटर का जो यूनिट वेट लिया जाता है वो वाटर का यूनिट वेट 4 डिग्री सेल्सियस निकाला जाता है ना। आप लाइन को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो वो समझ में आएगा। वो ये लिखते हैं कि सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए वाटर का जो यूनिट वेट लिया जाता है वो वाटर का यूनिट वेट हम 4 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं। सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में वो फर्दर फिर अगले पैराग्राफ में क्लियरली लिखते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस द स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन इंडिया टू फाइंड दी टू ऑब्टेन दी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ठीक है ना। तो सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस होगा, 4 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर, दोनों बातें याद रखने की हैं तो इन दोनों चीजों को आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ हमारा जो अगला पैरामीटर है आज का इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप लोगों को नीचे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, मैं इसका आप लोगों को अभी मीनिंग भी समझाता हूँ। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। हम इसे क्लियर कर लेते हैं ये क्या है। अगर मैं ई मैक्स के बारे में बात करूँ तो ई मैक्स क्या है, ई मैक्स एक कोर्स ग्रेन सॉइल का, कोर्स ग्रेन मतलब सैंड ग्रेवल कोहेजन लेस है ना। अब कोहेजन लेस जो वर्ड है आप उसको भी चाहें तो छोड़ दीजिए, इसको हम आगे आने वाले टाइम में बहुत से भी क्लियर करेंगे। अभी आप कोर्स ग्रेन वर्ड को थोड़ा सा अच्छे से देखिए, कोर्स ग्रेन मतलब सैंड और ग्रेवल है ना, ये दो चीजों को हम जनरली कोर्स ग्रेन कहते हैं। तो ई मैक्स क्या है, मैक्सिमम वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो मैक्सिमम कब कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा वॉइड होंगे। ज्यादा से ज्यादा वॉइड कब होंगे, जब सॉइल एकदम लूज होगी, उसकी स्टेट कैसी होगी, लूजेस्ट स्टेज होगी, एकदम लूज स्टेट। ई मिनिमम क्या है, कम से कम वॉइड रेशियो। कम से कम वॉइड रेशियो कब होगा, जब सॉइल में वॉइड कम से कम होंगे। सॉइल में वॉइड कम से कम कब होंगे, जब सॉइल कौन सी स्टेट में होगी, डेंसेस्ट स्टेट में होगी। इज दैट क्लियर ऑर नॉट। तो ई मैक्स और ई मिनिमम, ई मैक्स लूजेस्ट स्टेट में, ई मिनिमम डेंसेस्ट स्टेट में। और एक है ई, नाउ व्हाट इज ई, ई इज द नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल। नेचुरल वॉइड रेशियो मतलब सॉइल जिस स्टेट में है नेचुरली उसी स्टेट में उसका वॉइड रेशियो निकाल लेना है ना, उसको बोलते हैं नेचुरल वॉइड रेशियो। अब यहाँ पे ई मैक्स माइनस ई और ई मैक्स माइनस ई मिनिमम क्या दिखा रहा है, अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। अभी मैंने केवल आपको इसका मीनिंग बताया कि ई मैक्स का मतलब क्या है और ई मिनिमम का मतलब क्या है। देखिए सॉइल की डेंसनेस को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स थे। पहला पैरामीटर था उसका नाम था वॉइड रेशियो, है ना, मैंने आप लोगों को इस पैरामीटर के बारे में बताया था। दूसरा जो पैरामीटर था उसका नाम था पोरोसिटी, मैंने आपको इस पैरामीटर के बारे में भी क्लियरली बताया था। वॉइड रेशियो और पोरोसिटी ये दोनों चीजें हमें क्या बताती थी, ये दोनों चीजें हमें ये बताती थी कि सॉइल की डेंसनेस कैसी है। सॉइल की डेंसनेस के बारे में एक आइडिया मिलता था, हमें आइडिया क्या मिलता था कि वॉइड रेशियो ज्यादा है तो सॉइल कम डेंस है, पोरोसिटी ज्यादा है तो सॉइल कम डेंस है, उल्टा अगर ये दोनों वैल्यू कम है तो सॉइल ज्यादा डेंस है, सॉइल के अंदर कम वॉइड्स है, हमें एक आइडिया लग जाता था कि सॉइल ज्यादा डेंस होगी या कम डेंस होगी। एक और पैरामीटर होता है गामा ड्राई, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल है ना, वैल्यू क्या होती थी, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एक ये पैरामीटर भी होता है जो हमें सॉइल की डेंसनेस के बारे में बताता है। अगर गामा ड्राई ज्यादा है इसका मतलब सॉइल के अंदर ज्यादा सॉलिड है, मतलब उसके अंदर डेंसनेस अच्छी है। अगर गामा ड्राई कम है इसका मतलब सॉइल के अंदर कम सॉलिड है,
और उसकी डेंसनेस बेकार है, सॉइल लूज स्टेट में है, इसका क्लियर हो। लेकिन अभी तक हमको डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं मिला डेंसनेस का, मतलब हमको डेंसनेस का डायरेक्ट परसेंटेज नहीं मिला। डेंसनेस का डायरेक्ट परसेंटेज क्या होता है उसे समझने की कोशिश कीजिए, है ना। जैसे कि लेट अस सपोज दैट आपके सामने कोई सॉइल रखी हुई है, आप कहीं गए और ये एक ग्राउंड लेवल था और इस ग्राउंड लेवल के ऊपर सॉइल रखी हुई थी, है ना। ये मेरा सॉइल का एक पूरा का पूरा मास रखा हुआ था। अभी तक मेरे पास कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जो मुझे ये बता पाए कि इस सॉइल का डेंसिफिकेशन 30% कंप्लीट हो चुका है और 70% गुंजाइश और है इसके डेंसिफिकेशन की। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब तक एक भी पैरामीटर मुझे ऐसा नहीं मिला जो मुझे ये बता सके कि इस सॉइल को 30% डेंस कर दिया जा चुका है और अभी इसको 70% और डेंस किया जा सकता है। या फिर लेट अस सपोज दैट आप हाईवे बना रहे हैं, है ना, और हाईवे बनाने के लिए आपको कॉम्पैक्शन चाहिए 100%, है ना, बहुत हैवी कॉम्पैक्शन चाहिए। 100% मतलब इतना कॉम्पैक्शन कि सॉइल का पूरा डेंसिफिकेशन हो जाए, उसमें डेंसिफिकेशन की कोई भी गुंजाइश ना बचे, उसमें डेंसिफिकेशन की कोई भी गुंजाइश ना बचे। अब उसको फर्दर डेंसिफाई नहीं किया जा सकता, उसको फर्दर बिल्कुल भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको फर्दर बिल्कुल भी हम डेंसिफाई नहीं कर सकते। तो हमें अब तक एक भी पैरामीटर ऐसा नहीं मिला जो हमें ये बताए कि इसके अंदर अब 0% डेंसिफिकेशन की गुंजाइश बची है। हमारे पास जितने भी पैरामीटर थे वो पूरे के पूरे पैरामीटर हमें इसका वर्टिशो निकाल के बता देंगे, वो पूरे के पूरे पैरामीटर हमें इसकी पोरोसिटी निकाल के बता देंगे, वो पूरे के पूरे पैरामीटर हमें इसका गामा ड्राई निकाल के बता देंगे। लेकिन हमें इन चीजों से ये पता नहीं पड़ पाएगा कि इस सॉइल का 0 डेंसिफिकेशन बचा है, अब इस सॉइल को बिल्कुल भी डेंसिफाई नहीं कर सकते। अब क्योंकि हमें ये चीज निकालनी थी, हमें डायरेक्ट इंडिकेटर डेंसिफिकेशन का निकालना था, तो हमने एक पैरामीटर बनाया, उस पैरामीटर का नाम था डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी। ये जो रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स होती है, ये काम कैसे करती है, बहुत ही सिंपल तरीका है, है ना। लेट अस सपोज दैट कि एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट की हमें परफॉर्मेंस देखनी है ना, वो स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट की हमें परफॉर्मेंस देखनी है। सपोज दैट वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, सब्जेक्ट का नाम है सॉइल मैकेनिक्स। सब्जेक्ट के अंदर हमें ये देखना है कि इसने कितने परसेंट तैयारी कर ली और इसकी कितनी परसेंट तैयारी बची है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, छोटा सा डिस्कशन है, आपको शायद अच्छे से समझ में आए। अगर फर्दर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो मैं उन डाउट्स को बहुत अच्छे से लूंगा। आपको केवल ये देखना है कि इस स्टूडेंट ने कितनी सॉइल की तैयारी कर ली और इसकी कितनी सॉइल की तैयारी बची हुई है। तो उसका डायरेक्ट तरीका क्या है, उसका टेस्ट ले लीजिए। सपोज दैट जो टेस्ट था वो आपका 100 नंबर का था, ये आपके 100 जो मार्क्स थे ये मैक्सिमम मार्क्स थे, और उसके बाद इस बच्चे ने जो ऑप्टेन किए वो ऑप्टेन किए 60 मार्क्स। तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसकी 60% तैयारी हो चुकी है और इसकी 40% तैयारी अभी भी सॉइल मैकेनिक्स के अंदर बची हुई है। डायरेक्ट इंडिकेशन, डायरेक्ट इंडिकेशन कैसे निकाला, ऑप्टेंड अपॉन मैक्सिमम जो ऑप्टेंड हो सकता था। मैक्सिमम ऑप्टेंड हो सकता था 100 और उसने ऑप्टेन किए 60, तो हमने 60/100 कर दिया और यहां से आपको क्या मिल गया, 60% तैयारी ये बच्चा कर चुका है और 40% तैयारी अभी भी इस बच्चे की बची हुई है। मेरे ख्याल से इस चीज में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सभी लोगों को ये वाली बहुत छोटा सा एग्जांपल है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब आप यहां पर आइए, ये जो आईडी का फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए। ईमैक्स, ईमैक्स का मतलब सॉइल की कौन सी स्टेट, लूजेस्ट स्टेट, और ई मिनिमम, ई मिनिमम सॉइल की कौन सी स्टेट, डेंसेस्ट। ईमैक्स से ई मिनिमम, ये वर्ड रेशो की वो रेंज है जितनी वर्ड रेशो की रेंज कम हो सकती है, जितनी टोटल रेंज अवेलेबल है डेंसिफिकेशन के लिए। तो मैं इसको क्या बोल दू, मैं इसको बोल दू टोटल डेंसिफिकेशन जो किया जा सकता है, टोटल डेंसिफिकेशन अवेलेबल। आप वर्ड रेशो को कहां से कहां कहां तक कम कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू से उसकी मिनिमम वैल्यू तक। तो ये क्या हो गया, ये वो टोटल डेंसिफिकेशन है जो ऑप्टेन किया जा सकता है। और ऊपर देखिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये ई क्या है, नेचुरल वर्ड रेशो, मतलब सॉइल का वर्ड रेशो अभी कितना हो चुका है। तो ई मैक्स से जब आप ई पर आ रहे हैं तो ई मैक्स से ई पर आते टाइम आप क्या देख रहे हैं, डेंसिफिकेशन, डेंसिफिकेशन अचीव्ड टिल नाउ, अभी तक कितना डेंसिफिकेशन हम अचीव कर चुके हैं। इस तरह क्लियर हो नॉट। तो ये दो चीजें हैं, नीचे हम लोग देख रहे हैं कि सॉइल के अंदर कितना डेंसिफिकेशन अवेलेबल है, हम कितना डेंसिफिकेशन कर सकते हैं, और ऊपर हम देख पा रहे हैं कि हम अभी तक कितना डेंसिफिकेशन अचीव कर चुके हैं। तो हम ऊपर क्या लिख के चल रहे हैं, ऑप्टेंड, है ना। ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, ऑप्टेंड, और नीचे हमने कितना क्या लिखा हुआ है, टोटल अवेलेबल।
ये हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा ना कि अभी तक कितना डेंसिफिकेशन हो चुका है। अब लेट अस सपोज दैट कि हमारी जो आईडी की वैल्यू है, मैं इन चीजों को थोड़ा फर्क कर देता हूँ, हमारी जो आईडी की वैल्यू है वो हमारी आईडी की वैल्यू लेट अस सपोज दैट निकल के आती है 30%, है ना, यहाँ पर ये वैल्यू हमारी निकल के आती है लेट अस सपोज दैट 30% आईडी। 30% क्या बताएगा कि ऑब्टेंड अपॉन अवेलेबल 30% है, मतलब अवेलेबल का 30% हम अचीव कर चुके हैं, कितना डेंसिफिकेशन और कर सकते हैं, सिंपल सी बात, 70% और बचा हुआ है। अब आप कोई रोड बनाइए, है ना, और कोई रोड बनाने के बाद, मैं ड्राइंग पूरी मिटा रहा हूँ, कोई रोड बनाने के बाद आपको ये देखना है कि 100% डेंसिफिकेशन हो चुका है या नहीं हो चुका है, या आपने कोई इम्बेक्टमेंट रोड के लिए बनाया, तो आप उसका आईडी निकाल लीजिए। अगर आईडी की वैल्यू 100% है तो ठीक जितना डेंसिफिकेशन होना था वो हो चुका है, लेकिन 100 से कम है, लेट अस सपोज 90% है, तो आप क्या बोलेंगे जो भी कॉन्ट्रेक्टर होगा फील्ड के ऊपर, भैया 10% और डेंसिफिकेशन कर, अभी और इसके ऊपर कॉम्पैक्शन चला क्योंकि अभी 100% डेंसिफिकेशन नहीं आया तेरा, इससे क्लियर होना। तो ये तरीका होता है सॉइल का डायरेक्ट डेंसिफिकेशन फाइंड आउट करने का, सॉइल की डायरेक्ट डेंसनेस की वैल्यू पता कर लेने का। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में अभी अब ये सब चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या दिखाती है, किस तरीके से ये चलती है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा रिलेटिव डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा। अमन का डाउट है सर, अमन हेलो सर, ये ओनली कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए अवेलेबल है डेंसिटी इंडेक्स? वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा अमन। ओके सर, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लूंगा कि फाइन ग्रेन के लिए हम उसे क्यों यूज नहीं करते हैं, वो मैं अभी लूंगा। अभी इसके जो ये पूरा इसका फॉर्मूला है, इफ के रिलेटेड कुछ डाउट है तो बताइए। विवेक का है। हेलो, हाँ विवेक पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था, ये ईमैक्स और ई मिनिमम की वैल्यू जो है अपन लैब में निकालते हैं या साइट में भी निकाल सकते हैं? नहीं, लैब में निकालते, साइट पे नहीं निकलता, वर्ड रिफो साइट पे नहीं निकलता। हाँ मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो एकदम एक्सट्रीम वैल्यूज होती होंगी, हाँ, तो लैब में ही निकलती है, लैब पे निकलती है। ठीक सर, रिजवान साइट पे नहीं निकल पाता। रिजवान पूछो क्वेश्चन। सर यही पूछ रहा था कि ईमैक्स और ईमिनिमम की वैल्यू कैसे निकलेगी? ईमिनिमम ईमैक्स मैंने कल वर्ड रिफो निकालना बताया था, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती है सॉइल की, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में उसका पूरा एक एक्सरे टाइप हमें सामने मिल जाता है कि उसके अंदर कितने जगह पर वॉइड्स हैं, कितने जगह पर सॉलिड्स हैं, वहां से डिजिटली उसको कंप्यूट कर सकते हैं, लगभग लगभग वैल्यू हम वॉइड रेशियो पता कर पाते हैं, एग्जैक्ट वॉइड रेशियो निकालना सॉइल का पॉसिबल नहीं हो पाता। सुनील जैन। हाँ सर, हो गया कंफर्म हो गया सर। ठीक, आगे चल सकते हैं। अनुराधा का भी डाउट है सर। हाँ अनुराधा। सर इसमें जो न्यूमरेटर है ईमैक्स माइनस ई, तो ये आप बता रहे कि ऑब्टेंड है, तो हाँ ईमैक्स माइनस ई, ठीक है ऑब्टेंड है, ऑब्टेंड है, तो सर ये वो होना चाहिए ना कि जितना हमने मतलब करना है, और मतलब यहाँ से हमको ऑब्टेंड डेंसिफिकेशन ही मिलेगा ना भाई। मैं भाई अगर यहाँ से हमको आईडी की वैल्यू 70% मिलती है, इसका मतलब क्या है कि 70% डेंसिफिकेशन इज कंप्लीटेड। तो सर जो ईमैक्स माइनस ई है वो बताना चाहिए ना कि कितना हम कर चुके हैं। यही तो बता रहा है, ईमैक्स क्या है सबसे लूज स्टेट, हाँ लूज स्टेट पे, और ई क्या है प्रेजेंट स्टेट, नेचुरल स्टेट में, हाँ प्रेजेंट स्टेट। तो हमें यहाँ से क्या पता पड़ रहा है कि हम लूज से कहाँ तक आ चुके हैं, डेंसिफिकेशन मतलब लूज से, अच्छा ओके सर, हाँ, तो हमें ऊपर ये पता पड़ रहा है कि लूज से प्रेजेंट में हम कहाँ तक आ चुके हैं। जी जी सर, ठीक ठीक है। और किसी का डाउट है कुछ? अनुराधा हाथ नीचे कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नाउ अगेन छोटू कुछ बोलना चाहता है हमसे। अब वही बात जो अभी एक बच्चा भी पूछ रहा था, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात होती है, डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये वैल्यू केवल कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ही यूज होती है। अब कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए वैल्यू क्यों यूज होती है, उसका एक रीजन होता है, जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है ना बड़ी सेंसिटिव होती है, लाइक ब्लैक कॉटन क्ले बहुत सेंसिटिव है, आप इसका नेचुरल वॉइड रेशियो को भी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। नेचुरल वॉइड रेशियो कैन नॉट बी फाउंड, कभी भी निकल ही नहीं सकता, है ना,
और फाइन ग्रेन सॉइल। उसका रीजन क्या होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि जब हम सॉइल की सैंपलिंग करते हैं और जब हम सैंपल को लैब के अंदर लेकर के आ रहे होते हैं तो सैंपलिंग करने के दौरान हमें सॉइल पर कुछ मैकेनिकल प्रेशर लगाना होता है या उसको खोदना पड़ता है या कुछ तो करना पड़ता है, और जब ये काम करेंगे तो फाइन ग्रेन सॉइल तुरंत डिस्टर्ब जाएगी, रीमोल्डेड हो जाएगी और उसके अंदर बहुत बड़ा वर्ड रेशो का चेंज आ जाएगा। दैट्स व्हाई एक सॉइल का कभी भी नेचुरल स्टेट में वर्ड रेशो पता पड़ ही नहीं सकता, और क्योंकि ये पैरामीटर चल रहा है वर्ड रेशो के टर्म्स में, ये पैरामीटर चल रहा है वर्ड रेशो के टर्म्स में, दैट्स व्हाई ये वाला पैरामीटर केवल और केवल कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए है, ये पैरामीटर फाइन ग्रेन सॉइल के लिए नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हमें सर 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 रिपीट करना पड़ेगा, आवाज बिल्कुल नहीं आई। आप लोग मत बोला करिए, मैं बोल रहा हूँ। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। हाँ, ये जो आपने बोला सर वो रिपीट कर। अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है सर जी। डेंसिटी इंडेक्स कभी भी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज नहीं किया जाता, ये केवल और केवल कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ही यूज किया जाएगा, है ना, हमेशा। उसका रीजन क्या होता है, जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है ना वो फाइन ग्रेन सॉइल बड़ी सेंसिटिव सॉइल होती है, और फाइन ग्रेन सॉइल के सेंसिटिव होने की वजह से जब हम उसकी सैंपलिंग करेंगे, मतलब सैंपलिंग करेंगे मतलब जब हम उस सॉइल के सैंपल को बाहर निकालेंगे ग्राउंड में से, तो जब हम बाहर निकाल रहे होंगे तब हम कुछ ना कुछ मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करेंगे या फिर हम लोग वहां पर एक्सकेवेशन करेंगे या फिर हम लोग वहां पर वाइब्रेशन करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। सैंपलिंग आंखों में नहीं होगी, आपको कुछ ना कुछ सैंपलिंग करने के लिए करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा या फिर कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, वाइब्रेशन देने पड़ेंगे, और अगर आप इनमें से कुछ भी काम करेंगे तो वो फॉइल डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत सेंसिटिव फॉइल होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो नेचुरल वर्ड रेशो है वो तो आपको कभी पता ही नहीं पड़ पाएगा। इज दैट क्लियर ऑर नॉट? तो क्योंकि फॉइल फाइन ग्रेन फॉइल का वर्ड रेशियो फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए इस पैरामीटर को फाइन ग्रेन फॉइल के लिए यूज नहीं कर सकते, ये पैरामीटर केवल और केवल कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ही बना है और आपको केवल और केवल कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इसको यूज करना पड़ेगा, और यही रीजन है कि इस पैरामीटर को सॉइल मार्कर इसके अंदर रिजेक्ट कर दिया गया है। इस पैरामीटर से कभी भी सॉइल का डेंसिफिकेशन पता नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छा पैरामीटर था लेकिन फिर भी इसका यूज नहीं करते क्योंकि ये केवल और केवल कोर्स ग्रेन के लिए रिजल्ट देता है, फाइन ग्रेन के लिए रिजल्ट नहीं देता। इज दैट क्लियर ऑर नॉट? नाउ अब एक दिक्कत हुई, भाई डेंसिफिकेशन तो पता करना है और फाइन ग्रेन सॉइल भी यूज होती है सॉइल मार्कर इसके अंदर, तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल का डेंसिफिकेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग इसके बाद वाली स्लाइड पर देखेंगे। आपको थोड़ा सा एक जो वैल्यूज हैं वो और याद रखनी पड़ेंगी कि आईडी के बेसिस पर हमने सॉइल को किस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 0 से 15% के बीच में है तो सॉइल बहुत लूज है, 15 से 35% के बीच में है तो सॉइल लूज है, 35 से 65% के बीच में है तो सॉइल मीडियम है, 65 से 85 के बीच में है तो सॉइल डेंस है, 85 से 100 के बीच में है तो सॉइल वेरी डेंस है। क्लियर हो ना? तो आपको ये वैल्यूज थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, यहाँ से कोई भी वैल्यू पूछ ली जाती है कि अगर आईडी की वैल्यू 50% है तो सॉइल कौन सी है, सॉइल का डेंसिफिकेशन कैसा है, तो आपको इस टेबल में देख के बताना पड़ेगा। ये चीजें आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए तो हमको पैरामीटर मिल गया, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग किस तरीके से निकालना। एक और पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है रिलेटिव कॉम्पेक्शन, और ये पैरामीटर हम लोगों के लिए बहुत प्राउड का एक पैरामीटर होता है इंडियंस के लिए। इस पैरामीटर के लिए जो सबसे ज्यादा काम किया है वो एक साइंटिस्ट थे इंडिया के सॉइल के अंदर, डॉक्टर आलम सिंह, है ना। तो यहाँ पर जो भी काम किया गया है पूरा का पूरा काम डॉक्टर आलम सिंह के द्वारा ही किया गया है, है ना। और आगे जो रिलेशनशिप है उनको भी आलम सिंह या सिंह रिलेशनशिप बोलते हैं, सिंह एंड ली रिलेशनशिप बोलते हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद उसको बताऊंगा। तो ये जो पैरामीटर बना रिलेटिव कॉम्पेक्शन का, रिलेटिव कॉम्पेक्शन का जो पैरामीटर होता है वो क्या बोलता है, अगेन आपको डेंसिटी बताएगा लेकिन अब वो डेंसिटी वर्ड रेशियो के टर्म्स में नहीं बताएगा। वो डेंसिटी कैसे बताएगा, वो डेंसिटी ड्राई यूनिट वेट के टर्म्स में बताएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ड्राई यूनिट वेट लिखा हुआ है, है ना। अब यहाँ पर भी सेम चीज लिखी हुई है, ये भी ऑब्टेंड है और ये भी टोटल है। हम यहाँ पर भी ऑब्टेंड अपॉन टोटल से परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम कहां तक पहुंच गए, उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो ये पता कर लेंगे कहां तक हमें और जाना है। अब हम ये समझते हैं कि ये ऑब्टेंड और टोटल कैसे है। गामा डी मैक्स मतलब किसी भी पर्टिकुलर सॉइल का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी,
उसका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितना पॉसिबल हो सकता है, है ना? तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमने नीचे लिखा हुआ है गामा डी, उस सॉइल का डेंसिटी अभी कितना है, प्रेजेंट में उसका डेंसिटी कितना है, ऐसा क्लियर होना। अब जैसे जैसे सॉइल को आप डेंस करेंगे, जैसे जैसे सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे, गामा डी बढ़ता जाएगा। गामा डी बढ़ता क्यों जाएगा? क्योंकि गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है? गामा डी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ ड्राई सॉइल या वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉरी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो आपका जो वेट ऑफ सॉलिड है वो आपका वेट ऑफ सॉलिड तो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो तो कभी चेंज होता ही नहीं है। वेट ऑफ आपका जो सॉलिड रहेगा वो मैंने आपको बताया हुआ है, कभी चेंज होता नहीं है। लेकिन वी सॉइल ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। जैसे जैसे इसका कॉम्पैक्शन करेंगे ना तो वॉल्यूम सॉइल का कम होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे कॉम्पैक्शन करेंगे गामा डी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब आप लैब में ये देख लीजिए कि गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, और उस वैल्यू को यहाँ पर निकाल के लिख दीजिए कि मैक्सिमम इतनी वैल्यू आ सकती है। गामा डी की अभी वैल्यू कितनी आ चुकी है उसको ऊपर लिख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट में कितनी वैल्यू ऑब्टेन है अपॉन टोटल कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। जब ये 100% हो गया तब हमें पता पड़ जाएगा कि सॉइल पूरी तरह से डेंसिफाई हो चुकी है, क्योंकि ड्राई डेंसिटी की वैल्यू अब और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। वॉल्यूम को जितना कम होना था वो वॉल्यूम उतना कम हो चुका है, इसके बाद फर्दर डिक्रीज इन वॉल्यूम नहीं हो सकता। इस तक क्लियर होना? तो वो हमने निकाला था वर्टिसो के टर्म्स में और ये हमने निकाला था गामा डी के टर्म्स में। अब यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात क्या है कि गामा डी किसी भी सॉइल के लिए फाइंड आउट किया जा सकता है, किसी भी सॉइल जिसके लिए आपको निकालना है उसके लिए फाइंड आउट कर लीजिए। गामा डी निकालने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है कि सॉइल का टोटल वॉल्यूम ले लीजिए और उसके बाद उस सॉइल को कहाँ पर रख दीजिए, ओवन में रख दीजिए, और ओवन में रखने के बाद उसका वेट ले लीजिए, और उसके बाद क्या करिए वॉल्यूम अपॉन वेट कर दीजिए, यू विल फाइंड द गामा डी। तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होती, वॉइड्स चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें वॉल्यूम हम पहले ही ले चुके हैं और वेट हमें ओवन में रखने के बाद लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर आरसी बड़ी आसानी से डेंसिफिकेशन के बारे में बता देता है। कैलकुलेशन सेम रहती है, अगर डेंसिफिकेशन की वैल्यू 70% आती है आरसी के अंदर तो इसका मतलब क्या है, 70% डेंसिफिकेशन हो चुका है और 30% डेंसिफिकेशन रिमेनिंग है, इतना डेंसिफिकेशन हमारा अभी और बचा हुआ है। सर क्लियर नोट? नाउ सी फर्दर, अगर हम अगले पेज पर देखें तो जो डॉक्टर आलम सिंह थे, डॉक्टर आलम सिंह ने आरसी और आईडी को एक दूसरे से रिलेट भी किया, एक दूसरे से इन्होंने एक दूसरे से इन चीजों को रिलेट करके बताया। उन्होंने रिलेट कैसे किया, उन्होंने एक अपनी इम्पेरिकल इक्वेशन दी, ये इक्वेशन ड्राइव नहीं की जा सकती, इट इज इम्पेरिकल इक्वेशन। तो इम्पेरिकल इक्वेशन में उन्होंने क्या बोला कि आरसी की वैल्यू 80 प्लस 0.2 आईडी होगी, ये दोनों परसेंटेज में है, आईडी भी परसेंटेज में है और आरसी भी परसेंटेज में है, 80 प्लस 0.2 आईडी है ना। यहां से आप आईडी की वैल्यू निकाल लेंगे आरसी की वैल्यू पुट अप करके, आरसी की रेंज क्या होगी यहां पर देखिए, जब आईडी जीरो होगा तब ये वैल्यू कितनी होगी 80, और जब ये 100% हो जाएगा तब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो आरसी की रेंज एग्जाम में पूछी जाती है, आरसी की रेंज कितनी होती है 80% से 100% के बीच में, यहां से यहां तक आरसी वेरी कर सकता है। अगर आरसी की वैल्यू 80% है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आरसी की वैल्यू 80% है तो सॉइल का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, वेरी लूज। वेरी लूज क्यों होगा, क्योंकि आईडी कितना है यहाँ पर जीरो है, और अगर आरसी की वैल्यू 100% है तो हम क्या कह सकते हैं सॉइल कैसी होगी, वेरी डेंस। थोड़ा सा सर फिर से रिपीट कर दीजिएगा, हैंग हो गया था थोड़ा सा। कहां से, कहां से, कहां से प्रकाश जी? थोड़ा सा रिलेशन जो आप बता रहे थे ना फॉर्मूले से, अच्छा, वो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। ये जो आरसी का एक फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे हैं, ये आरसी का फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है, ये आरसी का एक इंपेरिकल फॉर्मूला है जो डॉक्टर सिंह ने दिया था, डॉक्टर आलम सिंह ने और उनके एक साथी थे ली। आईडी और आरसी के बीच में आप आरसी और आईडी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। यहाँ पर आईडी की वैल्यू आपको कायम रखनी होगी, आईडी की वैल्यू आपको यहाँ पर परसेंटेज में रखनी होगी। फिर से हैंग हो रहा है सर, मेरी आवाज आ रही है विकास जी? मेरी आवाज आ रही है विकास जी? भाई सब हैंग हो रहा है बार बार जी, मेरी आवाज आ रही है विकास जी? मेरी आवाज आ रही है विकास जी? अब आ रही है सर जी। बस ये आखिरी स्लाइड है आज की, है ना, इस रिलेशनशिप को हम क्लियर कर लेते हैं। आरसी और आईडी के बीच का रिलेशनशिप है, आप यहाँ पर आईडी की वैल्यू रख दीजिए तो आपको आरसी की वैल्यू क्लियरली मिल जाएगी।
आरसी की जो रेंज होती है वो 80% से 100% के बीच में होती है। अगर आप आईडी की वैल्यू यहां पर जीरो रखते हैं तो आपको आरसी की वैल्यू मिलती है 80% इस रिलेशनशिप से, और आईडी की वैल्यू अगर आप 100% रखेंगे तो आपको आरसी की वैल्यू मिल जाएगी 100%, है ना। तो आरसी इक्वल्स टू 80% है, इसका मतलब सॉइल कैसी है आपकी, वेरी लूज। और अगर आपकी आरसी की वैल्यू 100% है तो सॉइल आपकी कैसी है, वेरी डेंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया है आपके एग्जाम के अंदर कि अगर आरसी की वैल्यू 80% है तो सॉइल कैसी है, है ना। ये व्यापम का एक प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग इंडेक्स प्रॉपर्टीज को खत्म कर लिया है आज। अब अगले टर्न पर हम लोग एक छोटा सा काम देखेंगे, अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग ये जो हमारे फंक्शनल रिलेशनशिप है इन प्रॉपर्टीज के बीच में, ये हम लोग सब नेक्स्ट क्लास के अंदर इन रिलेशनशिप को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे और इनका डेरिवेशन भी पूरा करेंगे और इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के विकास जी इतनी है। ठीक है, अभी आप विकास जी बता सकते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में बच्चों को, आज आखिरी क्लास है क्योंकि। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि कल से जो है वो आपकी मीटिंग आईडी और पासवर्ड चेंज हो जाएगा। मीटिंग आईडी और पासवर्ड जिन्हें भी चाहिए या जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो मैंने अपना नंबर आपको बता दिया, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 7879208114। इस नंबर पे जो है आप आके और व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप फोन लगा सकते हैं। आप इस नंबर पे फोन लगा के और अपनी जानकारी ले लीजिए कि आपको अगर ज्वाइन करना है तो उस समय आपकी मीटिंग आईडी, आपकी एक यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा। जो रजिस्टर्ड है उनको ऐप के अंदर मीटिंग आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो मैंने अपना नंबर बता दिया है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, 7879208114।